हेलो एवरीवन हेलो 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 मैम कब आओगे आ गए जी आ गए बिल्कुल आपके सामने ही है कैसे हैं हमारे सभी क्लास टेंथ के प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं सभी बच्चे ओके okay. हेलो चलो सबसे पहले तुम तो मुझे ये बता दो कि uh, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है साउंड क्लियर नहीं है अच्छा जी क्लियर है क्लियर है हाँ अमृता मैम यू हैव नॉट एक्सप्लेन अरे भैया अभी टॉपिक अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है क्या नहीं ना अभी अपना चैप्टर बाकी है तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे टॉपिक्स कवर करते हुए जाएंगे है ना हाँ पीहू रोना नहीं है बेटा मैम इसके बाद में कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स इसके बाद में मेरा मन था कि मैं बायोलॉजी का हेरिडिटी जो है चैप्टर वो कवर करवा दूं और उसके बाद में हम आएंगे कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स पर ठीक है तो रोने की बात नहीं है वो भी होगा वो चैप्टर भी अपन कवर कर लेंगे ठीक है अच्छा तो मेरी आवाज़ सबको एकदम क्लियर है मैं आपको एकदम सबको प्रॉपर दिखाई दे रही हूँ दिखाई तो मैं दे रही हूँगी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है अच्छे से अच्छे से मैं कैसी हूँ मैं अच्छी हूँ आप लोग कैसे हो ओके एक्सेप्शन ऑफ लस्ट्रस्ट ट्रॉपिक्स ऑफ मेटल्स ठीक है और देखो आ, जो चीज़ें आपकी एन में दी गई हैं ठीक है जो चीज़ें आपकी एन में दी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं कवर करवाती जाऊँगी ओके हाँ तो पहले अपन हेरिडिटी कवर कर लेंगे उसके बाद में कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स पर जाएंगे और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स इस चैप्टर का वन शॉट रिविजन लेक्चर मैंने बनाया हुआ है ठीक है तो जिन बच्चों के अभी पीरियोडिक टेस्ट आ रहे हैं ठीक है, है? जिसमें वो चैप्टर आ रहा है कार्बन वाला तो अगर आपको वो देखना है तो आप जा कर के मैंने जो बनाया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का वन शॉट रिवीजन लेक्चर आप उसे जा कर के देख सकते हो अच्छा मुझे एक बात बता दो नहीं अभी डेट शीट थोड़ी आई अभी तो आपकी शायद प्रैक्टिकल की आ गई है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की आ गई शायद डेट शीट उसकी नहीं आई है फाइनल एग्ज़ाम्स की नहीं आई है लेकिन हाँ फिफ्टीन फेब से हम मान के चल रहे हैं जैसे कि सी ने बोला है कि फिफ्टीन फेब से आपके जो आ, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे हाँ हाँ हो जाएगा दिसंबर बेटा दिसंबर तो फिर भी दूर है अभी अपन नवंबर में ही जो है ना निपटाएंगे ठीक है ओके तो ज़रा मुझे ये बता दो कि पढ़ाई लिखाई चल कैसी रही है <laughs> देखो फिज़िक्स आपका पूरा कम्प्लीट हो चुका है क्लास टेंथ फिजिक्स आपका पूरा हो चुका है मतलब मैंने तो अपनी तरफ से सारे लेक्चर्स बना दिए हैं तो क्या तुम लोगों ने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं फिज़िक्स किस किस का कम्प्लीट हुआ है फिज़िक्स बेटा क्लास एट अभी नहीं क्लास <laughs> एट नहीं है ना क्लास uh, एट के लिए मैंने सारे जो भी चैप्टर्स हैं साइंस के वो सारे बनाए हुए हैं सारे चैप्टर्स के uh, हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने लेक्चर्स बना दिए हैं तो क्लास एट के बच्चों आपके लिए अभी तो मैं कोई लाइव सेशन नहीं रखूंगी ओके okay? चलो हाँ जी आपका कंप्लीट हो गया वेरी नाइस वेरी नाइस पूरा कंप्लीट हो गया अच्छा आ, और मैं क्या बोल रही थी हाँ मुझे याद आया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो वन शॉर्ट रिविजन लेक्चर है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डलवा दूँ क्या कम्युनिटी पोस्ट पर डलवा दूँ क्या मतलब लिंक डलवा दूँ उस वीडियो की देखना है तुम लोगों को क्योंकि कई बार बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि मैम हमें मिल ही नहीं रहे वीडियोस है ना आपने बनाए होंगे वीडियोस लेकिन आ, मिल नहीं रहे हैं तो वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डलवा दूँ क्या देख लोगे वहाँ से आपके लिए आसान हो जाएगा डलवा दूँ ठीक है तो मैं काम करती हूँ अभी कितने बज रहे हैं चार बज रहे हैं ना ठीक है मैं बात करती हूँ भाई हमारी भी हमको अपनी टीम से बात करनी पड़ती ऐसी थोड़ी ना तो मैं बात करती हूँ और आज नहीं तो कल कम्युनिटी पोस्ट पर जो है वन शॉट रिवीजन लेक्चर की जो लिंक है वो आ जाएगी आप उसको जा कर के देख लीजिएगा ठीक है मैंने बहुत अच्छे से बनाया है तुम लोग को पता है वन शॉट रिवीजन लेक्चर को देख करके तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि वो रिविज़न है क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को उस लेक्चर में भी बहुत अच्छे से समझाया है ठीक है तो तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि अरे मैम वन शॉर्ट रिविजन लेक्चर है टॉपिक वाइज तो आपने पढ़ाया नहीं अभी तक मज़े नहीं आएगी मैम कुछ समझ में नहीं आएगा सब समझ में आएगा आई प्रॉमिस ठीक है मैंने बहुत अच्छे से शिद्दत से मन लगा करके बनाया है वो सेशन तुम्हें अच्छा लगेगा ठीक है अच्छा और नोट्स बेटा फ्री <laughs> फ्री नोट्स मेरे हाथ में नहीं है फ्री नोट्स मेरे हाथ में नहीं है वो मुझसे मत बोलो चलो यस अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल चलो तो मुझे लगता है कि आ, अब हमें आज के इस सेशन को स्टार्ट कर ही लेना चाहिए मैम हाउ डू ऑर्गेनिज़म्स रिप्रोड्यूस एन सी आर टी लाइए अच्छा एन सी आर टी यार मैंने ना थोड़ा सा ही एन सी आर टी के बाहर जाके पढ़ाया है ज़्यादा तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर में मैंने ज़्यादा एन सी आर टी के बाहर का पढ़ाया ही नहीं है और मैं आपको सच बताऊँ जितना मैंने पढ़ाया है ना आप लोग प्लीज़ उन सब चीज़ों को पढ़ लो एन के बाहर मैं तो खुद बोलती हूँ कि हाँ मैं एन के बाहर जा कर के कुछ चीज़ें तुम लोग को समझाती हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एन के बाहर से ही मुझे समझाने पड़ते हैं मतलब एन के बाहर जा कर के समझाने पड़ते हैं तो अपनी टीचर पर प्लीज़ भरोसा रखो और जितना मैंने पढ़ाया है प्लीज़ उसे पढ़ लो देखो आ, क्लास टेंथ के बाद अगर तुम मैथ्स लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन अगर तुमने क्लास टेंथ के बाद में एलेवंथ में तुमने बायोलॉजी लेने का प्लान बनाया है तो बेटा क्लास टेंथ की बायोलॉजी में तुम्हें जो जो पढ़ा रही हूँ ना उसे बस तुम पढ़ते जाओ समझते जाओ तुम्हारे लिए ग्यारहवीं बहुत आसान हो जाएगी और कई हद हाँ तक ट्वेल्थ भी आसान हो जाएगी क्योंकि इलेवंथ डिफ़िकल्ट होती है ट्वेल्थ थोड़ी आसान हो जाती है लेकिन अगर तुमने टेंथ अच्छे से पढ़ लिया है ठीक है जो मैंने पढ़ाया है बायोलॉजी में तो तुम्हारे लिए एलेवेंथ में बायोलॉजी बहुत आसान होने वाली है मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ ठीक है अच्छा तो तुम लोगों ने अमृता बेटा मैं की की प्रॉपर्टी के लिए प्योर स्टेट क्यों मतलब मैं समझी नहीं मैं समझी नहीं नहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलेगा बक व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलेगा चलो मैम प्लीज़ एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स समझा दिया है बच्चे समझा दिया है चलो तो अब मुझे लगता है कि बेटा फिज़िक्स स्टार्ट करिए फिज़िक्स स्टार्ट करके ख़त्म भी हो चुकी है अच्छा एक और चीज़ मुझे तुम लोगों से पूछनी थी फिज़िक्स के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के टॉपिक वाइज लेक्चर्स को मैं फिर से अपलोड करा दूँ क्या हैं फिर से अपलोड करा दूँ क्या क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो नहीं देखते हो तुम लोग बताओ बुक में लिखा हुआ है प्योर स्टेट हाँ लिखा होगा मतलब मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रही हूँ आप प्लीज समझाओ ठीक है मैं फिर से मतलब मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगी जो वीडियोस डाले हुए हैं उन्हीं को मैं रीअपलोड कराऊंगी <laughs> ये मत समझना कि अरे मैम फिर से पढ़ाएंगी ना बाबा ना हाँ न्यूमेरिकल्स यार मैंने इतने मैंने पता इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स बना के रखे हैं पता नहीं तुम लोग को मिलते क्यों नहीं है धरतरी की हाँ इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी ना पी हूँ बेटा तुम रो क्यों रहे हो ठीक है प्योर स्टेटी क्यों चाहिए अच्छा अरे बेटा अगर इम्प्योर इम्प्योरिटीज़ कुछ मिली रहेंगी तो आ, उन एम्प्योरिटीज़ का जो फ़र्क है वो मेटल के लश्चर पे पड़ेगा है ना तो अगर हम प्योर मेटल्स की बात करें एकदम प्योर स्टेट की बात करें मेटल्स की तो मेटल्स अपने प्योर स्टेट में लश्चरस होते हैं ठीक है और अगर उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई तो वो जो लश्चर है वो उनकी कहीं गुम जाती है तो फिर हमें देख के लगता है कि अरे ये तो मेटल है तो इसको तो लस्ट्रस होना चाहिए इसके सरफेस को तो शाइनिंग होना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उस मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिल गई हैं तो उन इम्प्योरिटीज़ के कारण मेटल्स जो होते हैं वो अपनी लस्ट्रस प्रॉपर्टी को कहीं खो देते हैं लेकिन हाँ अगर हम मेटल्स को उनके प्योर स्टेट में देखेंगे तो हंड्रेड परसेंट मेटल्स कैसे होते हैं लश्रस होते हैं ठीक है खुश हैप्पी ओके okay. आ, ah, मेरी आवाज़ कितनी अच्छी थैंक यू ओके हाँ आर एनवायरमेंट का भी मैंने वन शॉट बनाया हुआ है मैं तुमको बताऊँ वन शॉट मैंने सारे चैप्टर्स के बनाए हुए हैं वन शॉट मैंने सारे चैप्टर्स के ओके okay. ठीक है बाबा ठीक है अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है मुझे सारे लेक्चर्स जो हैं तुम लोग के सामने लेकर के आने पड़ेंगे तब जा कर के तुम लोग को वो दिखाई देंगे और तब जा कर के तुम लोग उनको देखोगे वरना तुम लोग परेशान ही होते रहोगे कि मैम हम ये वाला टॉपिक बना दो न्यूमेरिकल्स पे लेक्चर बना दो बेटा मैंने सब बनाया हुआ है सारे बनाए हुए हैं अब मैं एक एक करके सारे लेक्चर्स तुम्हारे सामने लेके आऊँगी और फिर तुम उनको देख लेना खुश न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कब करवाओगे कब करवाओगे कब करवाओगे अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं एक सेशन रख लेती हूँ संडे को सेशन रख लूँ क्या संडे हाय पायल संडे को सेशन रख लू क्या न्यूमेरिकल्स का आओगे क्या संडे थैंक यू अनीश बताओ जी संडे रख लू आओगे पक्का देखो कुछ बच्चे अभी भी नो no बोल रहे हैं <laughs> देखो नो मैम क्यों अच्छा नहीं लगता पढ़ाई करना क्यों अमृता क्यों नो no, नो no, क्यों यार टीचर जब पढ़ाने को तैयार है तो तुम लोग को अपने घर पे बैठ के पढ़ने में क्या जाता है अच्छा बायो का प्रैक्टिकल है ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना सही में संडे बिजी बिजी भी <laughs> अरे छुट्टी है मैम संडे को तो भाई तुम ही लोग डिसाइड करो क्या करना चाहिए क्योंकि जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें तो मतलब तुम्हारे एमडब्ल्यूएफ एफ में लेक्चर्स तो आ ही रहे हैं ये केमिस्ट्री वाले बाकी जो टी टी एस है उसमें मेरे मेरे जो क्लास नाइन्थ के नन्ने मुन्ने हैं मैं उनको पढ़ाती हूँ ठीक है अच्छा ठीक है मैं एक मुझे ना बता देना एक पोल या तो करवा लेंगे ठीक है और अमित तो आएगा मुझे सन में आ गई है मेरी एज लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते नोटी बॉय हाँ हाँ चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं आपके सारे वीडियोस दो इयर्स पहले के हैं बेटा तो क्या हुआ दो इयर्स पहले के हैं और दो इयर्स पहले के तो नहीं होंगे दो इयर्स पहले के तो नहीं होंगे देखो जो मैंने पढ़ाया है ना वो आपके लिए सफिशिएंट है अब तुम ये मत देखो कि दो साल पुराने हैं तीन साल पुराने हैं जिस दिन मुझे लगेगा कि अरे ये लेक्चर तो पुराना हो गया बहुत पुराना हो गया है आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज़ हो गया है तो मैं नए लेक्चर्स बना दूँगी माना कि दो साल पुराने एक साल पुराना है लेकिन वो अभी भी वैलिड है आपका सिलेबस कोर्स आपका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ है जो टॉपिक्स पहले थे वो टॉपिक्स आज भी हैं और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं तो तुम लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहा करो कि मैम वीडियोस तो दो या दो साल पुराने हैं या एक साल पुराने हैं या डेढ़ साल पुराने कोई बात नहीं मैं बता तो रही हूँ जिस दिन मुझे लगेगा कि अरे ये लेक्चर तो पुराना हो गया है बच्चों का जो सिलेबस है वो रिवाइज़ हो गया है है ना कोर्स रिवाइज़ हो गया है तो मैं नए लेक्चर्स बना दूँगी लेकिन अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना है ना चलिए मैं अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं उस पर भी एक्टिव रहूं ठीक है चलो अच्छा तो अब मुझे लगता है कि आ, आज के इस सेशन को हमें एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर देना चाहिए और हाँ आप लोग की जो यहाँ पे डिमांड आ रही है कि ये वाला टॉपिक का लेक्चर बना दो इस पे बना दो उस पे बना दो तो अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे करना क्या है मैं अब फ़िज़िक्स के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के जो मैंने लेक्चर्स बना के रखे हैं मतलब फिजिक्स के जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं ना उन लेक्चर्स को मैं फिर से फिर से फिर से अपलोड करवा रही हूँ ठीक है तो तुम लोग उन्हें देखते रहना क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम मिल नहीं रहे मिल नहीं रहे मिल नहीं रहे तो एटलीस्ट तुम लोग की वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी ठीक है और वन शॉट जो लेक्चर्स हैं जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का जो वन शॉट रिविजन लेक्चर है वो मैं डलवा दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पर उसकी लिंक डलवा दूंगी आज नहीं तो कल तो तुम लोग उसको जा करके देख लेना ठीक है तो अब इस चीज़ की चिंता मत करो कि मैम लेक्चर्स हमें मिल नहीं रहे अब मिलने लग जाएंगे आई प्रॉमिस ठीक है अब मिलने लग जाएंगे तो जिनने नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना और जो देख चुके हैं वो रिवाइज कर लेना ओके बेटा कैटलिस्ट का काम क्या होता है कैटलिस्ट का काम होता है है रिएक्शन को थोड़ा सा स्पीड अप कर देना ठीक कब तक आएगी कब तक आएगी कब तक आएगी ये चैप्टर हो जाए उसके बाद में आ जाएगी ओके जी चलो 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 फटाफट से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों और आज के इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री का जो अपना प्यारा सा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड इट्स सॉरी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ठीक है तो इस चैप्टर के इस प्यारे से चैप्टर के आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आज अपन सबसे पहले बात करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट या देखो एन के जो वो है ना टॉपिक्स जो हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचना कि मैम तो एन के बाहर चली गई अरे तुम्हारे एन में ही दिया गया है पेज नंबर फोर्टी या हाँ मेरे ख्याल से फोर्टी पेज पर पे ये दिया हुआ है या फोर्टी फाइव दिया होगा मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है पेज नंबर लेकिन हाँ तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट ठीक है किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं हम वो सीखेंगे और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे Uh, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और ये तुम लिख के ले लो कि सी का एक बहुत ही uh, फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो जैसा कि मैं आपको हमेशा देखो मैं ना जब सेशन आपको पढ़ाती हूँ तो किस सेंटेंस से किस टॉपिक से किस तरह का सवाल आ सकता है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ और अगर मैंने बोल दिया कि भाई ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ये सी बी एस ई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है तो मान लो कि इस टॉपिक पर सवाल आ सकते हैं पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ ही जाएँ ठीक है तो जिन टॉपिक्स की एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है तो उन टॉपिक्स को तो अपन कवर करते ही हैं अच्छे से कवर करते हैं ठीक है ना केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओके okay, जी बन जाएगी आगे तो बढ़ने दो तो मुझे <laughs> चलो आ, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी मैम बोर्ड्स में बुक से क्वेश्चन आते हैं क्या ऑब्वियसली बोर्ड्स में तो बुक से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से आएंगे चलिए तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज के इस सेशन में हम इन दो टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो आप सभी को एकदम क्लियर है तो अब एक काम करते हैं हम फटाफट फड़ से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट सो दिस इज विभूति खरे वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हम अपने प्यारे से चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इन दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस करेंगे ओके okay, तो अब मुझे लगता है कि हमें आज के इस सेशन को एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर ही लेना चाहिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Uh, तो सबसे पहले बेटा हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं हमें वो समझना है आइए एज मेटल एटम्स हैव वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल दे कैन लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स

इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हो सकते हैं एक दो या तीन आई रिपीट जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के जो उनके रिस्पेक्टिव आउटरमोस्ट शेल्स होते हैं उनमें कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक दो या तीन और इन एक दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना बहुत आसान होता है सो दे कैन लूज़ दीज इलेक्ट्रॉन्स ईजीली टू अक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन एक नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरीशन को अक्वायर करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरीशन को अक्वायर करने के लिए मेटल के जो हम मतलब मेटल्स के जो हमारे आइटम्स होते हैं वो आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज uh, कर जाते हैं ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल एटम्स जनरली हैव फाइव सिक्स और सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के जो रिस्पेक्टिव मोस्ट शेल्स होते हैं उन आउटर मोस्ट शेल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं पाँच छ या सात तो बेटा जब पाँच छ या सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो ना तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसीलिए जो हमारे नॉन मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर देते हैं लूज़ तो कर नहीं सकते तो गेन करना शुरू कर देते हैं और गेन कर लेते हैं तीन दो या एक इलेक्ट्रॉन्स को टू अक्वायर अगेन द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन नोबल आप बोल सकते हो कि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए नॉन मेटल्स के जो ऐटम्स uh, होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं राधर देन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ये हमारे पास सोडियम uh, एटम है ठीक है अटोमिक नंबर कितना होता है ग्यारह ग्यारह अटोमिक नंबर का मतलब क्या है बेटा इलेवन अटोमिक नंबर का मतलब क्या है कि इस सोडियम के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे ग्यारह सिमिलरली इसी सोडियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ग्यारह तो ये तो समझ में आ गया कि चलो इस सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ग्यारह होंगे लेकिन उन ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स को हम इस सोडियम एटम के अंदर रखेंगे कैसे तो कुछ इस तरह से टू कॉमा एट कॉमा वन के शेल में होंगे पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में होंगे पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में होंगे होंगे क्या एम शेल में होगा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अब इस सोडियम एटम का मोस्ट शेल कौन सा है ये वाला अरे इसी सोडियम एटम का बेटा आउटर मोस्ट शेल कौन सा है ये वाला एम शेल और जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से आठ इलेक्ट्रॉन्स है ना अरे ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि यदि किसी एटम को स्टेबल होना है तो उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में या आप बोल सकते हो कि उस एटम के वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तब जा कर के ऑक्टेट होगा कंप्लीट और तब जाकर के एटम होगा स्टेबल तो बेटा ऑक्टेट रूल के हिसाब से इस सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने केवल एक होने चाहिए आठ है केवल एक तो पूरे सात इलेक्ट्रॉन्स की कमी है पूरे सेवन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इस सोडियम एटम में जिसके कारण ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है इसका ऑक्टेट ही कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है अब कौन होगा इतना अच्छा दिल का है ना बड़े दिल का जो इस सोडियम एटम को पूरे सात इलेक्ट्रॉन्स ला करके के देगा कि ये लो सोडियम एटम तुम रखो अपना दिवाली गिफ्ट हैं कौन होगा इतने बड़े दिल वाला जो इस सोडियम एटम को पूरे सात इलेक्ट्रॉन्स ला के देगा कि ये लो रखो इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में और करो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाओ स्टेबल कोई नहीं आकर के देने वाला है तो अल्टीमेटली क्या होगा ये सोडियम एटम को इतना गुस्सा आ जाएगा कि ये सोडियम एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसी को धक्के मार करके एटम में से बाहर निकाल देगा ये सोडियम एटम है बेटा इसको इतना गुस्सा आ जाएगा कि इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है मैं मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ तो एटम को इतना गुस्सा आएगा इतना गुस्सा आएगा इतना गुस्सा आएगा कि वो अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से ही बाहर निकाल देगा कि निकल जा तू मेरी जिंदगी से बाहर ना लायक तेरे कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है तो बेटा अब इस एक इलेक्ट्रॉन को भगा देने के बाद या इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देने के बाद अब इस सोडियम एटम का मोस्ट शेल कौन सा बन जाता है ये वाला एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देने के बाद या एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने के बाद अब इस सोडियम एटम का मोस्ट शेल बन जाता है ये वाला दैट इज एल शेल जिसमें पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं मतलब कि अब जाकर के होता है ऑक्टेट कंप्लीट और अब जाकर के ये जो सोडियम एटम है ना ये एक स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन को अक्वायर करता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अब जाकर के ये सोडियम एटम नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर करता है ठीक है तो बस अब क्या होना है स्टेबल हो जाना है लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अब यह सोडियम एटम एटम नहीं कहलाया जाएगा अब ये बन जाएगा क्या एक आयन क्या बन जाएगा एक आयन बन जाएगा कोई बात नहीं माना कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद सोडियम एटम सोडियम एटम नहीं रहा अब वो बन गया सोडियम आयन जो कि एक पॉजिटिव आयन है पर कोई दिक्कत की बात नहीं है एटलीस्ट एक स्टेबल नोबल गैस मतलब एक स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो अक्वायर कर लिया गया ना एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अक्वायर कर लिया गया ना माना कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ा लेकिन एक नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अक्वायर हो गया ना कोई बात नहीं एटम जो है आयन बन गया उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है तो हमारे जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों वो कुछ इसी तरीके से नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करते हैं एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम यह ये, ये क्या है मैग्नीशियम का एक एटम है अटोमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का ट्वेल्व है ना मैग्नीशियम का अटोमिक नंबर कितना होता है ट्वेल्व यानी कि इस मैग्नीशियम के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बारह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बारह बारह इलेक्ट्रॉन्स को हम रखेंगे कैसे बारह इलेक्ट्रॉन्स को हम कुछ ऐसे रखेंगे टू कॉमा एट कॉमा टू के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर भी वही समस्या है ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि भैया किसी भी एटम को यदि स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही चाहिए लेकिन अगर तुम इस मैग्नीशियम एटम के आउटर मोस्ट शेल को देखो जो कि है एम शेल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट रूल के हिसाब से होने कितने चाहिए आठ हैं कितने दो मतलब पूरे छः इलेक्ट्रॉन्स की कमी है पूरे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इस मैग्नीशियम एटम में जिसके कारण ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो कौन होगा इतना महान जो इस मैग्नीशियम एटम को पूरे छः इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा कि ये लो मैग्नीशियम के एटम तुम छः इलेक्ट्रॉन्स रख लो अपने आउटर मोस्ट शेल में अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लो और स्टेबल हो जाओ अरे कोई नहीं ला करके देगा तो होगा क्या इस मैग्नीशियम ऐटम का भी इतना दिमाग खराब होगा इतना दिमाग खराब होगा इतना खराब इतना दिमाग खराब होगा हो, कि अल्टीमेटली ये मैग्नीशियम ऐटम अपने आउटर मोस्ट शेल से दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा मैग्नीशियम एटम को इतना गुस्सा आ जाएगा बिल्कुल वो अतामाजी सटकली वाली सिचुएशन हो जाएगी मैग्नीशियम एटम के साथ कि इसको इतना गुस्सा आएगा इतना गुस्सा आएगा कि अपने आउटर मोस्ट शेल के दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर भगा देता है कि निकल जाओ तुम लोग मेरी ज़िंदगी से तो होता क्या है दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद या दो इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकाल देने के बाद अब इस मैग्नीशियम एटम का आउटर मोस्ट शेल बन जाता है ये वाला एल शेल दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद या दो इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकालने के बाद अब इस मैग्नीशियम एटम का आउटर आउटर मोस्ट शेल बन जाता है ये वाला दैट इज एल शेल जिसमें कि पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद दो इलेक्ट्रॉन्स को गवा देने के बाद अब जाकर के इस मैग्नीशियम एटम ने अक्वायर किया है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स को गवा देने के बाद पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद अब जाकर के इस मैग्नीशियम एटम ने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर किया है बस अगर नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन अक्वायर हो गया है तो अब ये मैग्नीशियम एटम क्या हो जाएगा एकदम स्टेबल हो जाएगा ये मैग्नीशियम एटम बिल्कुल आप बोल सकते हो कि स्टेबल हो जाएगा है ना लेकिन हाँ अब दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है दो इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से धक्के मार के बाहर निकाल दिया है तो अब ये एटम एटम तो खिलाएगा नहीं अब ये क्या बन जाएगा एक मैग्नीशियम आयन बन जाएगा पर कोई दिक्कत की बात नहीं है एटलीस्ट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन तो अक्वायर कर लिया ना बस उतना काफ़ी है ओके okay, तो आप देख सकते हो कि इस मेटल ने भी क्या करा मैग्नीशियम मेटल ने भी क्या करा नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए इस मेटल के एटम ने अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया ना तो हमारे मेटल्स ऐसे ही बिहेव करते हैं एक और एग्जांपल देख लो एलुमिनियम बच्चों ये क्या है एलुमीनियम का एक एटम है एलुमीनियम का अटोमिक नंबर कितना होता है तेरह तेरह ऑटोमिक नंबर का मतलब क्या है अरे वो तेरह मेरा वाला तेरह नहीं थर्टीन वाला तेरह ठीक है तो तेरह अटोमिक नंबर का मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम के इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे तेरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे तेरह अब ये तो समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम के इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे थर्टीन लेकिन इन थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स को थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स को एलुमीनियम एटम के अंदर रखा कैसे जाएगा ऐसे टू कॉमा एट कॉमा थ्री मतलब कि के शेल में होंगे वही दो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में होंगे पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में हो जाएंगे तीन इलेक्ट्रॉन्स अब अगर तुम इस एलुमीनियम एटम के आउटर मोस्ट शेल को देख लो अगर तुम इस एलुमीनियम एटम के आउटर मोस्ट शेल को देखोगे इस एलुमीनियम एटम के मोस्ट शेल को देखोगे तो कौन सा मोस्ट शेल ये वाला एम शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से आठ हैं कितने तीन मतलब कि पूरे पा पाँच इलेक्ट्रॉन्स की कमी है पूरे पाँच इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है इस एल्यूमिनियम एटम में जिसके कारण ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है इसका एक नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन ये अक्वायर नहीं कर पा रहा है तो कौन होगा इतना महान जो इस एलुमिनियम एटम को पूरे पाँच इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा कोई नहीं देने वाला है तो इसका भी वही होगा एलुमिनियम एटम को इतना गुस्सा आएगा इतना गुस्सा आएगा कि अपने आउटर मोस्ट शेल के तीनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा इस एल्युमिनियम एटम को इतना गुस्सा आ जाएगा कि इन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है तो एल्युमिनियम एटम क्या करेगा गुस्से गुस्से में अपने आउटर मोस्ट शेल के तीनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा कि निकल जाओ तुम लोग मेरी ज़िंदगी से अब देखो तीन इलेक्ट्रॉन्स को तीनों या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद अब इस एल्यूमिनियम एटम का आउटरमोस्ट शेल बन जाता है ये वाला दैट इज़ एल शेल जिसमें कि पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसका मतलब मतलब ये है कि अब जाकर के ऑक्टेट होता है कंप्लीट अरे बेटा तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद अब इस मैक इस एलुमीनियम एटम का आउटर मोस्ट शेल बन जाता है ये वाला एल शेल जिसमें कि पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं मतलब कि अब जाकर के होता है ऑक्टेट कंप्लीट अब जाकर के इस एलुमिनियम एटम ने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को जो है अक्वायर किया है मतलब अब ये होगा क्या स्टेबल लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो अब ये एटम एटम तो रहेगा नहीं अब ये क्या बन जाएगा एलुमीनियम आयन बन जाएगा ये क्या बन जाएगा बच्चों एलुमीनियम आयन बन जाएगा तो आप देख रहे हो मैंने आपको पूरे तीन मेटल्स के एग्जाम्पल दिए हैं सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम मैंने आपको पूरे तीन मेटल्स के एग्जाम्पल दिए हैं और आप देख सकते हो कि इन तीनों ही मेटल्स uh, ने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरीशन कैसे अक्वायर किया है आई रिपीट मैंने आपको तीन मेटल्स के एग्जांपल दिए हैं और आप देख सकते हो कि इन तीनों ही मेटल्स uh, ने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरीशन कैसे अक्वायर किया है इन तीनों ही मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स एटम्स क्या कर रहे हैं बच्चों अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आटम्स में से बाहर निकाल रहे हैं मैं बार बार बोल रही हूँ सुन लो मेरी बात तीन मेटल्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम और ये तीनों ही मेटल्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को कैसे अक्वायर uh, कर रहे हैं ये तीनों ही मेटल्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को कैसे अक्वायर कर रहे हैं इन तीनों ही मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स हैं वो एटम्स क्या कर रहे हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स में से बाहर निकाले दे रहे हैं नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने, करने से क्या होता है पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से क्या होता है पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है एटलीस्ट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन तो अक्वायर कर लिया ना उतना ही काफ़ी है ठीक है मेरी बात समझ में आ गई तो अब तुम्हें ये वाला सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों तुम्हें ये वाला सेंटेंस पहला वाला सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया होगा कि मेटल एटम्स जो होते हैं उनके पास एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में जिनको वो आसानी से लूज कर सकते हैं और अक्वायर कर सकते हैं स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन और मैंने आपको तीन तीन मेटल्स के एग्जाम्पल दे भी दिए हैं सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कि ये तीनों ही मेटल्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अक्वायर करने के लिए क्या करते हैं इन तीनों ही मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव आइटम्स हैं वो आइटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स में से ही बाहर निकाल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स से ही बाहर निकाल दिया जाता है ये देखो सोडियम एटम ने क्या करा है अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल दिया और अक्वायर कर लिया नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन हाँ आयन ज़रूर बन गया लेकिन एटलीस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन तो अक्वायर कर लिया ना इस मैग्नीशियम एटम ने भी क्या करा अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दिया नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर कर लिया और पॉजिटिव आयन तो खैर बनना ही था इस एल्यूमिनियम के एटम ने भी क्या कराया अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दिया नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है ना अक्वायर कर लिया और पॉजिटिव आयन्स तो खैर बन ही जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो तुम्हें ये वाले सेंटेंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड सेंटेंस की देखो ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल ऐटम्स जनरली हैव फाइव सिक्स और सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन देअर आउटर मोस्ट शेल दे कैन गेन थ्री टू और वन इलेक्ट्रॉन्स टू अक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अब अगर मैं एक नॉन मेटल की बात कर लूँ बच्चों अगर मैं एक नॉन मेटल की बात कर लूँ जैसे कि मैं बात करती हूँ यहाँ पर किसकी क्लोरिन के एक ऐटम की ठीक है तो क्लोरीन का एटोमिक नंबर कितना होता है सेवनटीन सत्रह सत्रह अटोमिक नंबर का मतलब क्या है कि क्लोरीन के इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे सत्रह सिमिलरली इसी क्लोरीन के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सत्रह उन सत्रह इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन एटम में कैसे रखा जाएगा ऐसे टू कॉमा एट कॉमा सेवन मतलब कि के शेल में होंगे पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में होंगे पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में होंगे सात इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन आइटम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है ये वाला अरे इस क्लोरीन आइटम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है ये वाला एम शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सात इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट रूल के हिसाब से कितने होने चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आठ अरे ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पूरे आठ यहाँ पर कितने हैं सात होने चाहिए आठ हैं सात मतलब कि केवल एक ही तो इलेक्ट्रॉन की कमी है केवल एक ही तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशेंसी है इस क्लोरीन एटम में तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्लोरीन आटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कहने का मतलब ये है कि इस क्लोरीन आटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अगर ये क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या एक्सेप्ट कर ले और उसे एक्सेप्ट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में रख ले तो फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट है ना ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है वो अक्वायर हो जाएगा मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि इस क्लोरीन के एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अगर ये क्लोरीन का आइटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन करके उस एक इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल में डाल लेता है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को जो है अक्वायर कर लिया जाएगा लेकिन हमारी चलती है उल्टी बुद्धि हमने बोला क्लोरीन आइटम को कि ना ना क्लोरीन आइटम तुम एक काम करो तुम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बजाय तुम अपने इन सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो हमने इस क्लोरीन ऐटम को सजेस्ट किया कि देखो क्लोरीन आइटम जिस तरीके से सोडियम आइटम ने अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आइटम में से बाहर निकाल दिया मैग्नीशियम आइटम ने अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दिया एल्यूमिनियम एटम ने अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दिया तो तुम भी एक काम करो तुम भी अपने सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दो तो तुम्हारा भी जो है ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट तुम भी जो है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है अक्वायर कर लोगे और तुम भी हो जाओगे स्टेबल तो क्लोरीन एटम बोलेगा कि आइडिया आपका अच्छा है क्लोरीन आइटम बोलेगा कि आइडिया आपका अच्छा है लेकिन जो आप बोल रहे हो वो लॉजिकली uh, पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकालने के लिए या बोल सकते हो कि सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है जो हमारे पास है नहीं तो हम भैया इनकी तरह इनकी तरह वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं लेकिन हाँ हम कर क्या सकते हैं बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आ, एटम में से बाहर निकाले बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाले हम नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो तब भी अक्वायर कर सकते हैं हमने पूछा कैसे तो ये बोलता है कि लूज नहीं कर सकते लेकिन गेन तो कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकते लेकिन बस एक इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर सकते हैं ना एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ही क्या होगा हमारा काम हो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भी गेन करने की ज़रूरत नहीं है बस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और उसको रख लेंगे आउटर मोस्ट शेल में तो आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही सात इलेक्ट्रॉन्स थे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ठीक है ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है अक्वायर हो जाएगा तो हमने कहा ठीक है भैया ये, ये भी ठीक है ये भी ठीक है अगर तुम लूज़ नहीं कर सकते अपने सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम एक गेन कर लो तो हमारा जो नॉन मेटल है कौन सा क्लोरीन ये स्टेबल होने के लिए या ये नियरेस्ट नोबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अक्वायर करने के लिए क्या करता है इस क्लोरीन नॉन मेटल का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है राधर देन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक मेटल्स के एटम्स ठीक है तो ये तुम्हें समझ में आ गया तो बच्चों हमारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स कुछ इसी तरीके से काम करते हैं मेटल्स किस तरह से काम करते हैं वो तुमको मैंने समझा दिया मेटल्स किस तरह से काम करते हैं वो तुम्हें मैंने समझा दिया नॉन मेटल्स कैसे काम करते हैं वो तुम्हें मैंने समझा दिया कि नॉन मेटल्स बोलते हैं भैया कि हाँ हमको भी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर करना है लेकिन वो अक्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे जो नॉन मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स हैं नॉन मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स हैं वो एटम्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया दो को कर लिया या तीन को कर लिया लूज़ नहीं करते हैं तो नॉन मेटल्स भी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अक्वायर करते हैं बट कैसे नॉन मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ना कि लूज करते हैं लेकिन हमारे मेटल्स क्या करते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन को अक्वायर करने के लिए हमारे मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स होते हैं वो एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स से ही बाहर निकाल देते हैं लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाए इतना समझ में आ गया होगा चलो दस द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल एटम या मेटल एटम्स आर गेन्ड बाय द नॉन मेटल एटम या नॉन मेटल एटम्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक मेटल का एटम या मेटल एटम्स लूज करते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया जाता है कौन गेन करते हैं तो नॉन मेटल्स के नॉन मेटल एटम्स या नॉन मेटल का एक एटम द मेटल एटम विच लूज द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिव आयन एंड नॉन मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन uh, को या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो बन जाता है एक नेगेटिव आयन एंड फॉर दिस रीज़न बॉन्ड जो है बन जाता है दोनों आयन के बीच में जिसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बेटा जब दो आयन्स के बीच में दोस्ती होती है ना जब दो आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको हम आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं नाम याद रखना आसान है ना आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो बना होता है दो आयन्स के बीच में अब जाहिर सी बात है हमको पता है कि जो लाइक uh, चार्जेज like होते हैं वो रिपल करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल नेगेटिव नेगेटिव रिपल लेकिन अगर आप ऑपोजिट चार्जेस को पास में लेकर के आ गए हो तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट तो अगर मैं बोल रही हूँ कि दो आयन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है दो आयंस के बीच में दोस्ती हो रही है तो जाहिर सी बात है उन आयंस के ऊपर चार्जेस कैसे होंगे ऑपोजिट होंगे ना बेटा दो पॉजिटिव आयन्स के बीच में तो कभी दोस्ती होने नहीं वाली दो पॉजिटिव आयन्स के बीच में कभी दोस्ती नहीं होने वाली कभी बॉन्ड नहीं बनने वाला क्यों क्योंकि दोनों आयन्स के ऊपर चार्जेस कैसे हैं पॉजिटिव है ना और अभी तो मैंने आपको बताया कि जो लाइक like चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल नेगेटिव नेगेटिव रिपल बताया तो तुमको मैंने कि जो लाइक uh, चार्जेज like होते हैं वो रिपल करते हैं लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं तो अगर मैं बोल रही हूँ कि दो आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो दोनों आयंस कैसे होंगे अपोजिटली चार्ज होंगे मतलब कि अगर एक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होगा क्योंकि अगर मैं दो पॉजिटिव आयन्स की बात करूँ अगर मैं दो पॉजिटिव आयन्स की बात करूँ इसका मतलब क्या कि दोनों आयन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं जो तो आपस में रिपल करेंगे तो उनके बीच में तो कभी भी बॉन्ड नहीं बन पाएगा और अगर मैं दो ऐसे आयंस की बात करूं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं तो बेटा उनके बीच में भी कभी दोस्ती नहीं पाएगी उनके बीच में भी कभी बॉन्ड नहीं बनेगा क्यों क्योंकि नेगेटिव चार्जेस भी तो एक दूसरे को रिपल करते हैं ना तो अगर मैं बोल रही हूं कि दो आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है दो आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब क्या कि दोनों आयंस कैसे हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं अगर एक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा मान के चलो तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों एक ऐसा बॉन्ड जो दो आयन्स के बीच में बनता है और डेफिनेटली वो आयन्स कैसे होंगे ऑपोजिटली चार्ज होंगे अगर एक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा और इसी आयनिक बॉन्ड को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो बेटा कई बार ना कुछ नहीं आ, बच्चों को घुमाने के लिए आयनिक बॉन्ड की जगह पे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड लिख दिया जाता है कभी कभी सवालों में बच्चों को घुमाने के लिए आयनिक बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड लिख दिया जाता है तो बच्चे घूम जाते हैं कि अरे बाप रे हमने तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हैं हमने तो आयोनिक बॉन्ड्स पढ़े हैं लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो हमने पढ़े ही नहीं है अरे आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है क्या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ठीक है तो सीधी सी बात है यहां पर आपको यह समझाया जा रहा है कि आ, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था एक तो मैंने आपको ये क्लोरीन वाला एग्जाम्पल दिया था है ना और दूसरा मैंने आपको आ, सोडियम का भी तो एग्जाम्पल दिया था ना तो उसमें क्या हुआ था सोडियम का ये जो एटम है ये अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देता है है कि नहीं अरे ये सोडियम एटम क्या करता है अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से दफा कर देता है सोडियम एटम वही वाली बात है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अक्वायर करने के लिए ये सोडियम एटम क्या करता है अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देता है ठीक है तो इसका आ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद इस एटम का आउटर मोस्ट शेल बन जाता है ये वाला एल शेल जिसमें कि पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो ये एटम हो जाता है क्या स्टेबल मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अक्वायर कर लेता है लेकिन हाँ एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है जिसके कारण ये एटम बन जाता है एक पॉजिटिव आयन सोडियम आयन ठीक है अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे ये एक मेटल का एटम है और ये एक नॉन मेटल का एटम है मेटल का एटम नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन कैसे अक्वायर करेगा वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अरे एक मेटल का एटम नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को कैसे अक्वायर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को करके वहीं जो नॉन मेटल का एटम है वो कैसे नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अब जैसा कि तुमको मैंने समझाया था कि क्लोरीन के इस एटम को स्टेबल होने के लिए या नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अक्वायर करने के लिए ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है मतलब इसको देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही हैं इसको बस ज़रूरत होती है एक और इलेक्ट्रॉन की तो क्लोरीन आइटम सोचता है कि यार अगर कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो उसको मैं गेन कर लूँ ताकि मेरे आउटर मोस्ट शेल में फिर आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेरा ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन में अक्वायर कर लूँगा और मैं हो जाऊँगा स्टेबल तो ये सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है बेटा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन देगा कौन कौन देगा तो ये है ना मेटल का एटम सोडियम एटम ये कैसे नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अक्वायर करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके तो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा सोडियम आटम के लिए उसका इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूजलेस होता है उस इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण सोडियम एटम की स्टेबिलिटी जा रही होती है इसलिए क्या करता है गुस्से गुस्से में आकर के अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देता है इसके लिए तो यह वाला इलेक्ट्रॉन यूजलेस है सोडियम एटम के लिए यह इलेक्ट्रॉन यूजलेस है एकदम यूजलेस है लेकिन इसके लिए यह फायदेमंद हो सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा जब ये देगा तब ना ये लेगा तो कहने का मतलब ये है बेटा कि मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा कौन नॉन मेटल का एटम ठीक है मेटल का एटम जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा या गेन कर लेगा कौन नॉन मेटल का एटम तो होगा क्या जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ बन जाएगा सोडियम आयन पॉजिटिव आयन और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेटल का एटम अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और उसी इलेक्ट्रॉन को ये नॉन मेटल का एटम गेन कर लेगा या ये एक्सेप्ट कर लेगा आई बात समझ में जब ये, इक, जब, ये, इक, जब, ये आ, आटम, जब ये सोडियम का एटम जब ये सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन सोडियम आयन और जब ये क्लोरीन आटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा एक नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन अब देखो यहाँ पे दो आयंस बन गए ना यहां पर दो आयंस बन गए एक बन गया सोडियम आयन और एक बन गया क्लोराइड आयन और इन दोनों ही आयंस के ऊपर तुम चार्जेस देखो जरा इन दोनों ही आयंस के ऊपर तुम चार्जेस देखो ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या इन दोनों ही आयंस के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है दो आयंस बन गए ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो इन दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है इनके बीच में दोस्ती हो सकती है एक्चुअली होता यह बच्चों कि जब यह दोनों आयंस बन जाते हैं ना तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है जब दो बन जाते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन तो इन दोनों ही के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है मैं यहां पर लिख भी देती हूँ कि इनके बीच में लगने लगेगा क्या स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगा जिसके कारण ये दोनों ही आयंस पास पास आएंगे ये दोनों ही आयंस पास पास आएंगे और इनके बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड और क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्ड बना है तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों आयनिक बॉन्ड या दूसरा नाम क्या होता है को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो अब आ गया समझ में कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बना है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना है एक बड़ा आसान है कि मेटल के एटम ने क्या करा अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया एक नॉन मेटल के एटम ने तो जब यह मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाता है एक पॉजिटिव आयन और जब ये नॉन मेटल का आटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है एक्सेप्ट uh, कर लेता है तो ये बन जाता है एक नेगेटिव आयन तो दो तरह के आयन्स आ गए हमारे पास अरे दो तरह के आयन्स आ गए ना हमारे पास एक पॉजिटिव आयन आ गया और एक नेगेटिव आयन आ गया दो तरह के आयन बन चुके हैं एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव uh, आयन और इन दोनों ही आयन्स के बीच में बेटा होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है इन दोनों ही आयन्स के बीच में इन दोनों ही आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है जिसके कारण ये दोनों आयन्स पास पास आते हैं फिर इनके बीच में बाकायदा एक बॉन्ड बन जाता है एंड दैट इज़ आयनिक बॉन्ड या आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और इसी बॉन्ड के थ्रू इसी आयनिक बॉन्ड के थ्रू दोनों आयंस आपस में जुड़ जाते हैं दोनों आयंस आपस में जुड़ जाते हैं ठीक है तो इतना समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि दोनों आयंस बन गए दोनों आयंस कैसे हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है जिसके कारण दोनों आयन्स फिर पास पास आते हैं इनके बीच में बकायदा जाता है आयनिक बॉन्ड, और इसी आयनिक बॉन्ड के थ्रू दोनों आयंस आपस में जुड़ जाते हैं ठीक है तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दस द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल एटम या मेटल एटम्स आर गेन्ड बाय द नॉन मेटल एटम या नॉन मेटल एटम्स द मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और एक नॉन मेटल का एटम जो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो बन जाता है एक नेगेटिव आयन एंड फॉर दिस रीज़न बॉन्ड बन जाता है दोनों ही आयन्स के बीच में और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स become less than the number of protons hence the species formed has a positive charge obviously baat hai main aapko pehle bhi bata chuki hu ki electrically ek atom neutrally hota hai electrically ek atom neutrally होता है जैसे कि अगर मैं बात करूं एक sodium atom की बच्चों अगर मैं बात करूं एक sodium atom की तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं ग्यारह और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं ग्यारह अरे ये क्या है ये सोडियम का एटम है इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं ग्यारह है ना ग्यारह हैं तो सीधी सी बात है इलेवन प्रोटॉन्स के ऊपर इलेवन प्रोटॉन्स के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो बराबर हो जाएगा किससे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उससे आई रिपीट 11 प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है 11 प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर हो जाता है किसके तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि हाँ इस सोडियम एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज के बराबर है बेटा तुम ये भी तो बोल सकते हो ना कि सोडियम एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर है टोटल नेगेटिव चार्ज के क्योंकि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा है बराबर बराबर है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर बराबर है ग्यारह प्रोटॉन्स है तो ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो ग्यारह प्रोटॉन्स के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो बराबर हो जाता है किसके तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके तो इस सोडियम एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज मैं लिख देती हूं टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के इस सोडियम एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के इसका मतलब क्या कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है लेकिन फिर हुआ क्या इस सोडियम इस सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया हुआ क्या कि इस सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अब इस सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं दस पहले ग्यारह थे एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया लूज़ कर दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं दस रह गए हैं लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी कैसे हैं ग्यारह हैं अरे इलेक्ट्रॉन लूज किया है प्रोटॉन्स उन्हें ना लूज किए हैं तो प्रोटॉन्स तो पहले भी ग्यारह थे प्रोटॉन्स का नंबर तो पहले भी ग्यारह था और बाद में भी ग्यारह रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए एक कम हो गया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो, दस इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ग्यारह प्रोटॉन्स एंड दस इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा होता क्या है कि दस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बराबर हो जाता है किसके तो 10 प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ये तो मैं ऐसा बोल लो कि 11 में से जो 10 प्रोटॉन्स हैं 11 में से जो 10 प्रोटॉन्स हैं उन 10 प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर हो जाता है किसके तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उससे लेकिन जो एक प्रोटॉन बचा रह जाता है बेटा उस प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को बराबर करने वाला कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता पहले तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर बराबर बराबर था अब क्योंकि यहां पर क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन को गवा दिया गया इलेक्ट्रॉन्स अब रह गए हैं दस लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर तो अभी भी ग्यारह ही है ना तो ग्यारह में से दस प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बराबर हो जाता है दस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे लेकिन जो एक, एक जो बचा हुआ प्रोटॉन है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है इसीलिए आयन बन जाता है और आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है आई बात समझ में चलो आगे बढ़ जाते हैं इट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन या कैटायन। द यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ड बाय द एटम एंड इस कॉल्ड द इलेक्ट्रो वैलेंसी ऑफ कैटायन फॉर एग्जाम्पल देखो सोडियम आइटम वही अटोमिक नंबर ग्यारह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका टू कॉमा एट कॉमा वन है इसमें केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो ये सोडियम का एटम क्या करेगा लूज कर देगा और क्या बना लेगा एन ए पॉजिटिव आयन बना लेगा सोडियम आयन बना लेगा जिसकी वेलेंसी क्या होगी वन होगी मैग्नीशियम एटम अटोमिक नंबर बारह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है टू कॉमा एट कॉमा टू दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों को ही लूज कर देगा और क्या बना लेगा मैग्नीशियम आयन बना लेगा जिसकी वैलेंसी क्या होगी दो एल्यूमिनियम एटम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका टू कॉमा एट कॉमा थ्री है तो ये एल्यूमिनियम का एटम भी क्या करेगा अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा और आयन बना लेगा कौन सा एल्युमिनियम आयन जिसकी वैलेंसी क्या होगी तीन होगी ऑन दी अदर हैंड एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैंज द स्पीशीज फॉर्म्ड हैज़ अ नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव आयन और एन आयन क्या बोला कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है जिसके कारण जो स्पीशीज बनती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऐसी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को ही हम क्या बोलते हैं फिर नेगेटिव आयन बोलते हैं या एक और नाम होता है उसका एनायन। जैसे कि मैंने आपको क्लोरीन आइटम की बात बताई है है ना जैसे कि मैंने आपको अरे कहां गया हां ये क्लोरीन आइटम की मैंने आपको बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है टू कॉमा एट कॉमा सेवन अरे अटोमिक नंबर सत्रह होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है टू कॉमा एट कॉमा सेवन शेल में सात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट uh, को कंप्लीट करने के लिए ये क्लोरीन का एटम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो बेटा अगर आप एक क्लोरीन एटम को देखो तो उस क्लोरीन के एटम में इनिशियली uh, प्रोटॉन्स का नंबर कितना होता है सेवनटीन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी होता है सेवनटीन अगर तुम एक क्लोरीन के एटम को इनिशियली देखोगे तो उसके अंदर तुमको इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे सत्रह और प्रोटॉन्स भी तुमको कितने मिलेंगे सत्रह मिलेंगे मतलब कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर बराबर होता है इसका मतलब क्या कि एक क्लोरीन एटम में इनिशियली टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर हो जाता है लेकिन फिर हुआ क्या स्टेबिलिटी के चक्कर में ऑक्टेट को कंप्लीट पूरा करने के चक्कर में ये क्लोरीन आइटम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है एक्सेप्ट कर लेता है जिसके कारण अब इस क्लोरीन आइटम में हो जाते हैं सत्रह से अठारह इलेक्ट्रॉन्स। पूरा खेल होता है स्टेबिलिटी का कि स्टेबिलिटी को आ, पाने की लालच में क्लोरीन एटम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है जिसके कारण अब इस क्लोरीन के एटम में हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो फिर कितने हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं प्रोटॉन्स होते हैं 17 और इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 18 प्रोटॉन्स तो अभी भी बेटा सत्रह ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18 हो गए तो बात यह है कि अठारह में से जो सत्रह इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सत्रह इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो तो जा करके बैलेंस हो जाएगा किससे? 17 सत्रह प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे लेकिन जो इकलौता इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है बेटा पहले तो सब बराबर बराबर था प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर बराबर था टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर था सब बैलेंस हो जाता था लेकिन अब क्या हुआ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना तो उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाई जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना तो उस गेंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है एटम के अंदर जिसके कारण एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जब एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है फिर वो एटम एटम नहीं बन जाता मतलब फिर वो एटम एटम नहीं रह जाता वो एटम बन जाता है क्या एक आयन क्योंकि आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो बन जाता है एक नेगेटिव आयन जिसको हम क्या बोलते हैं एन आयन बोलते हैं सो अटॉमिक नंबर सत्रह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा टू कॉमा एट कॉमा सेवन द आउटरमोस्ट शेल है सेवन इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन जिसकी वैलेंसी होगी वन ऑक्सीजन का आइटम है अटोमिक नंबर कितना है आठ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है टू कॉमा सिक्स है आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने छः मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो बेटा जो दो इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन करें ऑक्सीजन ने उन दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन ऐटम में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा जिसके कारण ऑक्सीजन आइटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और जब एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो फिर वो एटम एटम नहीं रह जाता वो बन जाता है एक आयन कौन सा नेगेटिव आयन क्यों क्योंकि आयन के ऊपर है है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो वो बन जाता आयन, जिसको हम बोलते हैं एन आयन तो यहाँ पे भी क्या बनेगा ऑक्साइड आयन बन जाएगा जिसकी क्या होगी पूरी टू होगी ठीक है आगे बढ़े नाउ द ऑपोजिटली चार्ज आयंस फॉर्मड जो ऑपोजिटली चार्ज आयन बन गए हैं जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस बन चुके हैं कैटायंस

पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स बन गए उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज कॉल्ड नाउ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जहां ऑपोजिटली चार्ज आयन्स बने उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है बच्चों मेरी बात सुनो जैसे ही अपोजिटली चार्ज आयंस बने उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है जिसके कारण आयन्स पास पास आते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स by complete transference of electrons from one atom to another so as to complete their octets or duplet in case of elements having K shell only and hence acquire the stable nearest uh, noble gas configuration is called ionic bond या electrovalent bond ये तो मैंने तुमको आसान सी एक definition बता दी थी कि ionic bond क्या होता है जो ions के बीच में बनता है ionic bond क्या होता है या electrovalent bond क्या होता है जो आयंस के बीच में बनता है लेकिन कैसे बनता है तो दो एटम्स होते हैं एक होता है मेटल एटम और एक होता है नॉन मेटल एटम और दोनों ही एटम्स के बीच में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होती है अरे एक मेटल एटम होता है और एक नॉन मेटल एटम होता है और दोनों ही एटम्स के बीच में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होती है कि मेटल एटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स देगा और नॉन मेटल एटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो मेटल एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को देता है और नॉन मेटल एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो मेटल एटम एंड नॉन मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन हो जाती है कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का और जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो दो एटम्स के बीच में तो बनता है दोनों एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स दो एटम्स के बीच में जब केमिकल बॉन्ड बनता है कैसे बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनादर कि मेटल एटम क्या करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स देता है नॉन मेटल का एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को लेता है कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है कोई शेयरिंग नहीं हो रही है मेटल एटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को दे ही देगा नॉन मेटल का एटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ले ही लेगा तो कंप्लीट लेन देन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन टू एटम्स क्यों हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए एक स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए अरे यार जो सोडियम का एटम है उसको क्या पड़ी है अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकालने की क्योंकि उसको नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर करना है ना उसको स्टेबल होना है ऐटम को इसलिए वो क्या करता है थकार के अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देता है क्लोरीन एटम को क्या पड़ी है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्योंकि उसको भी तो स्टेबल होना है उसको भी तो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर करना है उसको भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसलिए बस वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो बेटा अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन electron या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके पीछे सोल इंटेंशन बस इतना ही होता है कि वो दोनों ही एटम्स ट नोबल गैस कंफिग्रेशन को अक्वायर करना चाहते हैं वो दोनों ही एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं बस तो यहां पर भी क्या बोला जा रहा है एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो बनता है दो एटम्स के बीच में कब जब दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो आई रिपीट एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो बनता है दो एटम्स के बीच में कब जब दोनों ही एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट लेन देन हो कि एक एटम क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो दूसरा एटम क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है क्यों हो रहा है ये सब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर क्यों हो रहा? अरे दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन क्यों हो रही है अक्वायर करना चाहते हैं बस तो जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन हो जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो तब जाकर के दोनों एटम्स के बीच में Uh, बन जाता है क्या एक केमिकल बॉन्ड दैट इज आयनिक बॉन्ड और इसको हम इलेक्ट्रोवेलिन बॉन्ड भी बोलते हैं इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज आ सुन लो ये एन की लाइन है ये एन की लाइन है अगर तुमने इसको मिस कर दिया बेटा तो तुम्हारी ढें हो जाएगी देखो यहाँ पे इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल्स वो जो सोडियम क्लोराइड होता है ना अरे एन एस सी एल सोडियम क्लोराइड जिसे हम क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट बोलते हैं जिसे हम खाते हैं ठीक है ना तो सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट एन ए सी एल ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो है एग्जिस्ट नहीं करता है तुम ये नहीं बोल सकते हो कि एन ए सी एल के मॉलिक्यूल्स हैं ना बल्कि NACL एग्जिस्ट कैसे करता है एज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आय सुन लो मेरी बात ये एनसीआर टी का स्टेटमेंट है एनसीआरटी की लाइन है क्या कि NACL सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि NACL क्या होता है एक अग्रीगेट होता है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का एनएसएल क्या है बेटा एन डेफिनेटली एक आयनिक कंपाउंड है क्यों क्योंकि वो आयंस से बनता है भाई यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है क्या कि एक बन गया सोडियम आयन एक बन गया क्लोराइड आयन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है दोनों आयंस पास पास आते हैं और इनके बीच में अल्टीमेटली एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है और इसी आयनिक बॉन्ड के थ्रू दोनों आयंस आपस में जुड़ जाते हैं कुछ इसी तरीके से कुछ और भी सोडियम आयंस बनेंगे कुछ और भी क्लोराइड आयंस बनेंगे बेटा इसी तरीके से कुछ और भी सोडियम आयंस बनेंगे कुछ और भी क्लोराइड आयंस बनेंगे और उन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे आयन्स पास पास आएंगे उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बनते जाएंगे तो होगा क्या होगा ये कि ढेर सारे सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स बनते जाएंगे उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बनते जाएंगे और अल्टीमेटली एक कंपाउंड बन जाएगा एंड दैट इज आयनिक कंपाउंड एन ढेर सारे सोडियम आयन्स बनेंगे ढेर सारे क्लोराइड आयन्स बनेंगे ये ऑपोजिटली चार्ज आयन्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा आयन्स पास पास आएंगे इनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बनते जाएंगे जिससे होगा क्या अल्टीमेटली बन जाएगा एक आयनिक कंपाउंड दैट इज एन सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि यहां पर ये क्या बन गया है एनएससीएल का मॉलिक्यूल बन गया है ना बेटा एनएससीएल जो आयोनिक कंपाउंड है ना वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है एनएससीएल जो कि एक आयनिक कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है एनएससीएल है क्या आयनिक कंपाउंड जो कि क्या होता है अग्रीगेट होता है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का अग्रीगेट मतलब कि क्या बोलेंगे मतलब आप ढेर सारे सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को जमा कर लो आप ढेर सारे सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को जमा कर लो तो जमा करने से क्या होता जाएगा एनए कंपाउंड बन जाएगा आयनिक कंपाउंड बन जाएगा ठीक है तो एनएसीएल जो है कंपाउंड वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि वो सिर्फ एक अग्रीगेट है का का मतलब sodium and chloride ions का. अब देखो कुछ examples यहां पे दिए गए हैं <coughs> सबसे पहले यहां पर आपको sodium, uh, chloride का फॉर्मेशन ही समझाया जा रहा है ठीक है अटोमिक नंबर सोडियम का ग्यारह है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है टू कॉमा एट कॉमा वन इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल सो इट लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज टू कॉमा एट जो कि सिमिलर होता है नियॉन से एंड फॉर्म सोडियम आयन है ना अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है टू कॉमा एट कॉमा वन वेलेंस शेल में केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको कि वो लूज कर देगा सोडियम एटम टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज टू कॉमा एट जो कि सिमिलर है नियॉन से और बस सोडियम आयन जो है बन जाएगा फिर इसके बाद में ये देखो सोडियम आटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन गया सोडियम आयन अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2.8.7 कॉमा एट कॉमा सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन हैं वेलेंस शेल में तो ये क्या करेगा क्लोरीन का एटम बस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा अरे सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही हैं बस एक इलेक्ट्रॉन और कर, और ये क्या करेगा गेन कर लेगा बेटा क्लोरीन एटम में सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही हैं ये एटम क्या करेगा बस एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा टू तो लेगायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन दैट इज टू कॉमा एट कॉमा एट जो कि सिमिलर है आर्गन से तो क्या बन जाएगा ये आयन बन जाएगा क्लोराइड आयन बन जाएगा एनायन बन जाएगा नेगेटिव आयन बन जाएगा देखो क्लोरीन का ये एटम है ओके okay, जी वापस आ जाओ आपका ब्रेक हो गया है ख़त्म okay. वापस आ जाओ वापस आ जाओ हो गया ब्रेक खत्म हो गया आपस में लगे हुए पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है है ना चलो मैम बोर्ड्स टफ होते हैं क्या अगर पढ़ाई करी है तो टफ नहीं होते हैं और अगर पढ़ाई नहीं करी है तो बहुत टफ होते हैं ये भी सुन लो ठीक है आ जाओ मैम टेल कैन मेटल रिएक्ट विद मेटल एल नॉन विथ नॉन मेटल क्या बोल रहे हो बेटा चलो आ जाओ आ जाओ ब्रेक हो गया ख़त्म अरे प्रगति दी को छोड़ दो बेटा वो जो भी करती है तुम इस पे ध्यान दे दो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अच्छा तो हम थे कहाँ हाँ तो हमने ये पढ़ लिया था कि जो सोडियम एटम है जो सोडियम एटम है वो क्या करता है देखो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और क्या बन जाता है सोडियम आयन बन जाता है अब यहाँ देखो हम बात कर रहे हैं क्लोरीन ऐटम की अटोमिक नंबर कितना है सेवनटीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा टू कॉमा एट कॉमा सेवन इट हैज़ सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल अरे हम क्लोरीन ऐटम की बात कर रहे हैं उसमें ऐटम का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्लोरीन का आइटम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज़ टू कॉमा एट कॉमा एट जो कि सिमिलर है आर्गन से और जब क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा जब क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा बच्चों क्लोराइड आयन बन जाएगा है ना ये देखो क्लोरीन का आटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहां पे क्या बन गया क्लोराइड आयन बन गया ओके okay. अब देखो दस वेन अ सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम अप्रोच ईच अदर एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम क्या बोला गया है कि जब सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम पास पास आते हैं बेटा जब सोडियम एटम जब एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम atom, दोनों एटम्स ये पास पास आते हैं तो इन दोनों के बीच में आ, ए, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है जब एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन एटम ये दोनों ही एटम्स पास पास आते हैं तो इन दोनों ही एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम गेन कर लेता है आई रिपीट जब सोडियम और एक क्लोरीन एटम ये दोनों ही एटम्स पास पास आते हैं तो एक सोडियम एटम से बेटा एक सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाता है क्लोरीन आइटम उसको गेन कर लेता है तो यहाँ पर क्या हुआ दो एटम्स के बीच में आ, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया बेटा यहाँ पर क्या हुआ है दोनों आइटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है कि सोडियम का जो एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला और निकल करके कहाँ चला गया क्लोरीन एटम में चला गया कहाँ चला गया क्लोरीन एटम में चला गया बेसिकली क्लोरीन एटम ने क्या करो उसको गेन कर लिया ठीक है तो अन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम इन अदर वर्ड्स सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और वो बन जाता है क्या सोडियम आयन और क्लोरीन आइटम क्या करता है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और क्या बन जाता है क्लोराइड आयन एज अ रिजल्ट दोनों ही जो एटम्स हैं सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स जो दोनों ही आइटम्स हैं वो स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कंफिग्रेशन अक्वायर कर लेते हैं दीज पॉजिटिवली चार्ज आयन्स अब क्योंकि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो बेटा जाहिर सी बात है आयंस तो बनेंगे ना और वो भी कैसे अपोजिटली चार्ज आयंस है ना सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है तो दोनों ही ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही आयंस के बीच में क्योंकि बेटा दोनों ही आयंस अपोजिटली चार्ज हैं तो दोनों ही आयंस के आ, बीच में दोनों ही आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग जाते हैं जिसके कारण एक कंपाउंड ही बन जाता है एन या सिंपली आप उसको लिख सकते हो एन ठीक है तो इसलिए बोला एन में साफ लिखा गया है क्या कि एन कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है एन एक ऐसा कंपाउंड है जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि सिर्फ एक है ऑपोजिटली चार्ज इज सोडियम एंड क्लोराइड का ठीक है आगे बढ़े द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी रिप्रेजेंटेड इन वन स्टेप एस फॉलोज और आप कुछ इस तरीके से एक स्टेप में ही आ, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर सकते हो देखो ये सोडियम एटम है ठीक है ना इससे एक इलेक्ट्रॉन बेटा देखो जब आप दो अलग अलग एटम्स की बात करते हो जैसे कि एक एटम यहाँ पर हमारे पास सोडियम एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है तो हमेशा ध्यान रखना जब आप दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की बात करते हो तो उन दोनों ही एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप आ, अलग तरीके से डिनोट करो मेरी बात सुनो तो बेटा जब आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बारे में बात करते हो तो उन दोनों ही एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को आप अलग अलग तरीके से डिनोट करो जैसे कि क्लोरीन एटम में जो उसके सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हो डॉट के फॉर्म में है ना और सोडियम एटम में जो उसका इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो क्रॉस के तरह तो यहाँ पर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात कर रहे हैं ये सोडियम एलिमेंट का एटम है ये क्लोरीन एलिमेंट का एटम है तो इन दोनों ही एटम्स के जो इनके रिस्पेक्टिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से डिनोट करेंगे क्लोरीन एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने डॉट से डिनोट किया है और सोडियम एटम का जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्रॉस से डिनोट किया है ये ज़रूरी होता है ऐसा नहीं कि मुझे शौक़ चढ़ा है कि मैं तो जो है ना अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं अलग अलग तरीके से डिनोट करूँगी नहीं मुझे शौक़ नहीं चढ़ा है ये कंपलसरी है ताकि आप का ये जो आ, क्या बोलेंगे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है ये सामने वाले को बिल्कुल क्लियरली समझ में आए ठीक है एकदम क्लैरिटी दिखाने के लिए ये जरूरी होता है करना देखो ये सोडियम एटम है ठीक है ना और आपने इसके इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट किया है ये क्लोरीन आइटम है और इसके सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से डिनोट किया है क्या होगा इसका इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा सोडियम एटम का जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम एटम का जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर निकल जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन बेटा सोडियम एटम का जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो सोडियम एटम से बाहर निकल जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा क्लोरीन एटम में आ जाएगा कहाँ आ जाएगा क्लोरीन एटम में आ जाएगा कुछ इस तरीके से तो देखो सोडियम एटम बन जाएगा आयन और ये रहा क्लोरीन का एटम जिसमें उसके पास खुद के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही और एक उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है किसका सोडियम के एटम का तो अब ये भी क्या बन गया है देखो क्लोराइड आयन बन गया है क्या बन जाएगा एन कंपाउंड बन जाएगा आयनिक कंपाउंड ठीक है आगे बढ़े द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं शेल्स बनाए गए हैं है ना न्यूक्लियस बनाया गया है देखो ये सोडियम आइटम है उसका न्यूक्लियस है ये के शेल है ये एल शेल है और ये एम शेल है एम शेल में ये उसका इकलौता वेलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरिन आइटम है न्यूक्लियस है के शेल एल शेल एम शेल एम शेल में यहाँ पर आपको सात वेलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे है ना? शेल में, अरे जो आउटर मोस्ट शेल है यही शेल है। इसमें आपको सात वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे एक दो तीन चार पांच छह सात है ना तो सोडियम आइटम का ये जो आउटर मोस्ट शेल का इकलौता वेलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कूद के आ जाएगा कहा इसके पास अरे सोडियम एटम में जो उसका आउटर मोस्ट शेल है आउटर मोस्ट शेल में जो उसका इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके कहाँ आ जाएगा क्लोरीन एटम में आ जाएगा क्लोरीन एटम में भी कहाँ तो आउटर मोस्ट शेल में ही क्यों क्योंकि बेटा आउटर मोस्ट शेल ही खाली है के शेल तो कंप्लीटली भरा हुआ है एल शेल भी भरा हुआ है खाली कौन सा है एम ही तो है उसमें होने चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं साथ ही तो इसलिए सोडियम एटम का जो आउटर मोस्ट शेल में जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम एटम से बाहर तो आ जाएगा लेकिन फिर जाएगा कहाँ क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में ही जाएगा ठीक है तो यहाँ पे सोडियम आयन बन जाएगा और देखो यहाँ पर क्लोराइड आयन बन जाएगा और दोनों ही आयन्स जो हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे जिसके कारण आयनिक बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में और बन जाएगा क्या आयन ठीक है अब देखो अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड एक सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है देखो यहां पे तुम्हें एक इमेज मिलेगी अरे दद्दा इमेज कहां गई भाई साहब मेरी तो इमेज ही उड़ गई है <laughs> अरे इमेज कहां गई इमेज 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 गुम गई बेटा रुक जा हाँ ये देखो मिल गई ये देखो ये तुमको शुगर क्रिस्टल लग रहा होगा लेकिन ये शुगर क्रिस्टल नहीं है ये सारे एन के क्रिस्टल्स हैं ये एक क्रिस्टल हुआ एन का ये दूसरा हुआ ये तीसरा हुआ ये चौथा हुआ ये पांचवा ये छठवा ये सातवा ना इनकम्प्लीट भी दिख रहे होंगे यहाँ पे तुम्हें तो ये क्या है बेटा ये एक क्रिस्टल है एन का सोडियम क्लोराइड का जिसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स मिलियंस ऑफ सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स इन इक्वल नंबर एक क्रिस्टल जो होता है एन का उसमें मिलियंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स होते हैं पर इक्वल इन नंबर मतलब कि अगर सोडियम आयन्स हैं एक्स इन नंबर तो क्लोराइड आयंस भी कितने होंगे x ही इन नंबर हैंस एनए सी एल रिप्रजेंट्स ओनली द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नॉट द एक्चुअल फार्मूला इसलिए जो एनए सी एल है वो सिंपलेस्ट फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का ना कि उसका एक्चुअल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ मॉलिक्यूल बेटा ये जो एनए सी एल है ना ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है

सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल कहाना गलत होगा क्योंकि कोई मॉलिक्यूल नहीं है ये सिर्फ एनएसीएल है जिसमें क्या होते हैं सोडियम एंड क्लोराइड आयन होते हैं दो सोडियम क्लोराइड इज एक्चुअली एन ए पॉजिटिव एनसीएल नेगेटिव बट चार्जेस आर नॉट शोन वी सिंपली राइटेड एज एन है ना सोडियम क्लोराइड एक्चुअली होता क्या है एन ए पॉजिटिव एन सी एल नेगेटिव लेकिन इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है हम सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं एन ए सी एल अनायनिक कंपाउंड इन आयनिक कम्पाउंड द पॉजिटिव आयन्स आयन इज रिटन फर्स्ट आयनिक कम्पाउंड जो होते हैं बच्चों हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें हम सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखते हैं कैट आयन को लिखते हैं और फिर एनायन को लिखेंगे अमोनियम कम्पाउंड सचेज अमोनियम क्लोराइड अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा रिप्रजेंट अन एक्सेप्शनल केस ऑफ आयनिक कम्पाउंड विद अ के कैटायन एन एच फोर पॉजिटिव हैज़ नॉट बिन ऑप्टेंड फ्रॉम मेटल ऐटम देखो सीधी सी बात है जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम सबसे पहले कैटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं पॉजिटिव आयन को लिखेंगे और फिर उसके बगल में नेगेटिव आयन को लिखेंगे पॉजिटिव आयन आता कहाँ से है मेटल एटम से नेगेटिव आयन कहाँ से आता है नॉन मेटल एटम से लेकिन जो कुछ अमोनियम कंपाउंड्स हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड अमोनियम नाइट्रेट इन आयनिक कंपाउंड्स में इन अमोनियम आयनिक कंपाउंड्स में जो अमोनियम आयन है जो अमोनियम आयन है जो कैटायन uh, है ये किसी मेटल से ऑप्टेन नहीं किया गया तो यहां पर एक्सेप्शन हो गया नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि हाँ हमारे जो आयनिक कम्पाउंड होते हैं और उनमें जो पॉजिटिव uh, आयन्स होते हैं जो कैटायन्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं मेटल आइटम्स से मिलते हैं आई रिपीट हम क्या बोलते हैं इन आयनिक कम्पाउंड्स जो हमारे पॉजिटिव आयन्स होते हैं जो हमारे होते हैं वो हमें मिलते कहाँ से हैं मेटल आइटम्स से मिलते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं अमोनियम कंपाउंड्स की जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट तो इन कंपाउंड में जो कैटायन है दैट इज अमोनियम आयन एक्सेप्शन है कि ये किसी मेटल से नहीं मिला है ये किसी मेटल से नहीं मिला है बल्कि नॉन मेटल है ना नाइट्रोजन नॉन मेटल है हाइड्रोजन नॉन मेटल है चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की दैट इज पोटेशियम क्लोराइड अटोमिक नंबर क्या है बच्चों पोटेशियम का उन्निस. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है टू कॉमा एट कॉमा वन तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल एक होने कितने चाहिए आठ हैं कितना केवल एक तो मतलब क्या होगा इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण पोटेशियम एटम की स्टेबिलिटी जाएगी तो पोटेशियम एटम क्या करेगा गुस्से में आकर के अपने इस इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से ही बाहर निकाल देगा स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ किसके लिए होता है बच्चों स्टेबिलिटी के लिए एक स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कंफिग्रेशन को अक्वायर करने के लिए ही एक मेटल सॉरी uh, uh, एक एटम इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या एक एटम इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है सो इट लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म के पॉजिटिव आयन एंड अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन दट इज टू कॉमा एट कॉमा एट अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरिन क्या है सत्रह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा अब अब टू कॉमा एट कॉमा सेवन वही वाली बात है कि टू कॉमा एट कॉमा सेवन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन हैं कितने सात तो बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्लोरीन आइटम क्या करेगा ये क्लोरीन आइटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा अरे सात इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही है ना सात इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही हैं आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा ये जो क्लोरीन आइटम है ये राजी खुशी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा क्लोराइड आयन बन जाएगा स्ट नोबल गैस कन्फिगर को अक्वायर करने के लिए इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इन द शेल टू फॉर्म नेगेटिव आयन एंड अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन अगेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम टू क्लोरीन मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज अब वही वाली बात है कि क्लोरीन आटम को नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर करना है इसके लिए एटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा कौन पोटेशियम एटम बताया तो कि पोटेशियम एटम को भी क्या करना है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर करना है दैट इज टू कॉमा एट एट इसके लिए क्या करेगा पोटेशियम का एटम अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देगा और उसी इलेक्ट्रॉन को आ, क्लोरीन एटम गेन कर लेगा तो दोनों की बल्ले बल्ले हो गई है ना अब देखो पोटेशियम एटम और क्लोरीन एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो देख लो यहाँ पे अरे भाई पोटेशियम एटम और एक क्लोरीन एटम पास पास आए तो पोटेशियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला और फिर वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया क्लोरीन एटम में गया तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे देखो ये रहा पोटेशियम एटम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करेंगे क्रॉस से ठीक है अरे ये क्या है पोटेशियम एटम है जिसके इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करेंगे क्रॉस से ये है क्लोरीन एटम जिसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करेंगे डॉट 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 से ठीक है क्या होगा कुछ नहीं पोटेशियम का जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आइटम से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा क्लोरीन आइटम में जाएगा ठीक है तो ये बन जाएगा पोटेशियम आयन और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन में आप देख सकते हो कि सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरीन के खुद के हैं अरे इस क्लोराइड आयन में देखो ना सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरीन के खुद के हैं और जो एक और इलेक्ट्रॉन आया है वो किसका है पोटेशियम एटम का है तो यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा क्लोराइड आयन बन जाएगा पोटेशियम आयन बन जाएगा और क्या बन जाएगा केसीएल जब दो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स बन जाएंगे जब दो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स बन जाएंगे पॉजिटिव आयन बन जाएगा निगेटिव आयन बन जाएगा तो इन दोनों ही आयन के बीच में क्या होगा तो अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे तो दोनों आयंस पास पास आ जाएंगे और फिर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और आयनिक बॉन्ड के बनने से क्या होगा आयनिक कंपाउंड पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा इजी नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लीथियम फ्लोराइड ये कैसे बनेगा अटोमिक नंबर क्या होता है बच्चों लिथियम का थ्री तो आ, आ, वो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कितना हो जाएगा

आठ और हैं कितने एक तो कौन होगा इतना बड़े दिल वाला जो इस लिथियम के एटम को पूरे सात इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा उसके आउटर मोस्ट शेल में कोई ला करके नहीं देगा तो लीथियम बोलेगा जा लीथियम को इतना गुस्सा हो जाएगा कि लिथियम बोलेगा कि मैं तो अपने इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से ही बाहर निकाल देता हूं लिथियम एटम को इतना गुस्सा जाएगा इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम से ही बाहर निकाल देगा अब जब निकाल देगा तो फिर लिथियम एटम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा रह जाएगा ये वाला अरे आउटर मोस्ट बोलो या कुछ भी बोलो ले दे करके लिथियम एटम में यही शेल रह जाएगा इकलौता शेल रह जाएगा और ये इकलौता शेल ही क्या है उसका मोस्ट शेल भी है लेकिन ये है कौन सा बेटा ये के शेल है ना तो के शेल में डुप्लेट कंप्लीट होता है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है क्यों क्योंकि बेटा ये के शेल है और के शेल की तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती, होती केवल दो इलेक्ट्रॉन्स को रखने की के शेल की तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती केवल हो दो इलेक्ट्रॉन्स को रखने की तो के शेल तो अपने अंदर बस दो ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है दो से ज्यादा तो वो वैसे भी रख नहीं सकता तो यहां पर तो हम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे यहां पर हम डुप्लेट कंप्लीट करवाएंगे तो लिथियम एटम बोलेगा कि इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही थी भाई मुझे तो अपना आ, स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन अक्वायर करना है इसीलिए लिथियम एटम डिसाइड करेगा कि वो अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देगा और फिर उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा केशल जिसमें कि पहले से ही दो इलेक्ट्रॉन्स थे मतलब डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट और एटम हो जाएगा स्टेबल लेकिन हाँ एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो अब ये एटम एटम तो रह नहीं जाएगा अब ये बन जाएगा लिथियम आयन पॉजिटिव आयन जाहिर सी बात है इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सो इट लूजेज दिस इलेक्ट्रॉन टू अक्वायर द नोबल गैस कंफिगरेशन ऑफ हीलियम हैविंग के शेल एज द आउटर मोस्ट शेल विद अ डुप्लेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिजल्ट जो है बन जाएगा कितना टू कॉमा सेवन अरे अटोमिक नंबर होने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन के एक आइटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे नौ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे नौ नौ इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे कैसे टू कॉमा सेवन के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में पूरे सात इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए यहाँ पर आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने सात इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है फ्लोरीन के एटम को स्टेबल होना है ऑक्टेट कंप्लीट करना है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन चाहिए है अक्वायर करना है तो इसके लिए ये जो अपना फ्लोरीन एटम है ये सोचेगा कि यार जो मेरा आउटर मोस्ट शेल है उसमें तो सात इलेक्ट्रॉन्स हैं होने चाहिए आठ हैं सात केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्यों ना मैं कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ एक्सेप्ट कर लूँ गेन कर लूँ तो मेरा ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट मेरा नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अक्वायर हो जाएगा सब बल्ले बल्ले हो जाएगी है ना एग्जैक्टली exactly वही करेगा अरे लीथियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना लिथियम एटम ने अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना उसी इलेक्ट्रॉन को यह फ्लोरीन एटम गपच बच लेगा लीथियम एटम ने जो अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया है आई रिपीट लीथियम एटम ने जो अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसी इलेक्ट्रॉन को उसी इलेक्ट्रॉन को ये फ्लोरीन का एटम गेन कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा और रख लेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में तो उसके आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही सात इलेक्ट्रॉन्स थे एक और इलेक्ट्रॉन रख लिया उसने आउटर मोस्ट शेल में तो हो गए आठ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गया अक्वायर तो ये जो फ्लोरीन एटम है ये हो गया स्टेबल लेकिन हाँ एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो अब ये आइटम आइटम तो रह नहीं जाएगा क्या बन जाएगा आयन बन जाएगा फ्लोराइड आयन दैट तो टू नेगेटिव आयन सो इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू अक्वायर नोबल गैस कंफिगरेशन ऑफ न्यून दैट इज टू एंड फॉर्म फ्लोराइड आयन दैट इज एफ नेगेटिव तो सीधी सी बात है लिथियम एटम ने जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा वही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एटम ने गेन कर लिया सुनो मेरी बात बेटा लीथियम एटम ने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा लीथियम एटम ने जो अपना इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसी इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन एटम ने गेन कर लिया ठीक है तो हुआ क्या लीथियम एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था इसलिए वो लिथियम आयन बन गया पॉजिटिव आयन बन गया और फ्लोरीन के आइटम ने क्या करा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो वो फ्लोराइड आयन बन गया नेगेटिव आयन बन गया अगेन क्या हुआ है दो ऑपोजिटली चार्ज आयन बन गए बेटा क्या हुआ है फिर से दो ऑपोजिटली चार्ज आयन बन गए हैं लिथियम आयन बन गया फ्लोराइड आयन बन गया लिथियम आयन पॉजिटिव आयन है फ्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है तो फिर से क्या हुआ दो ऑपोजिटली चार्ज आयन बन गए जिनके बीच में इलेक्ट्रोसेटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे दोनों आयन पास पास आएंगे मतलब लिथियम एंड फ्लोराइड आयन पास पास आएंगे उनके बीच में जो है आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और इस आयनिक बॉन्ड के बनने से क्या होगा आयनिक कंपाउंड लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा भैया बधाई एक और नया आयनिक कंपाउंड तुमने बना लिया दैट इज लिथियम फ्लोराइड देखो कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को लिथियम एटम का जो आ, इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डिनोट किया गया है क्रॉस से फ्लोरीन एटम के जो सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने डिनोट किया है डॉट 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 से अब देखो क्या हुआ लिथियम एटम का जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा लिथियम एटम से और कहाँ चला जाएगा फ्लोरीन एटम के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा लिथियम आयन और आप यहाँ देखो ये यह फ्लोरीन का एटम है जिसमें सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ली यहाँ पे फ्लोरीन का एटम देखो जरा इस एटम में सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन एटम के खुद के हैं और एक इलेक्ट्रॉन आ गया है किसका लीथियम एटम का तो ये क्या बन गया बच्चों फ्लोराइड आयन बन गया है तो देखो लिथियम फ्लोराइड जो है आपके पास एक नया आयनिक कंपाउंड आ जाएगा ठीक है आगे बढ़े फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड या एनसीईआरटी में भी दिया गया है एग्जाम्पल अटोमिक नंबर कितना बच्चों मैग्नीशियम का बारह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा टू कॉमा एट कॉमा टू इन दो वैलेंस uh, इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैग्नीशियम एटम की स्टेबिलिटी जाएगी तो वही नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर uh, करने के लिए मैग्नीशियम एटम क्या करेगा अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा बन जाएगा मैग्नीशियम आयन दैट इज पॉजिटिव आयन क्लोरीन एटम के बारे में आप सभी को पता है है ना कि नंबर है इलेक्ट्रॉनिक इज आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर सात इलेक्ट्रॉन्स केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैग्नीशियम एटम बोलेगा कि अरे सुनो क्लोरीन एटम मैंने अभी अब मैंने अभी अभी अपने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाला है तो तुम चाहो तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हो तो ये क्लोरीन आइटम बोलेगा वाई नॉट भाई मेरे पास तो वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मेरे पास सात हैं तो मुझे तो वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लूंगा तो मेरा ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट मैं नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है अक्वायर कर लूंगा मैं हो जाऊंगा स्टेबल है ना तो मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है दो में से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है एक क्लोरीन का एटम लेकिन जैसा कि तुमको मैंने बताया कि मैग्नीशियम एटम दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है मैग्नीशियम का एटम अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देता है दो में से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको तो आ, क्लोरीन आटम जो है गेन कर लेगा बेटा दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन का एटम गेन कर लेगा लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्लोरीन का एटम गेन कर लेगा बिग डील क्या बड़ी बात हो गई इसमें है ना दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एटम ने क्या करे हैं लूज करे हैं तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन का एटम गेन कर लेगा और आ, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरा क्लोरीन का एटम गेन कर लेगा कोई बड़ी बात थोड़ी है इट नीड्स टू गेन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन टू कॉमा एट कोमा एट टू फॉर्म क्लोराइड आयन नाउ एज मैग्नीशियम एटम हैज टू लूज टू इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मैग्नीशियम एटम को नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है इसलिए और जो क्लोरीन एटम है जो एक क्लोरीन एटम है बेटा वो तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है देयर फोर दो क्लोरीन एटम्स क्या करेंगे विल बीवायर्ड टू एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन वन बाई क्लोरीन एटम तो यहां पर हमें एक मैग्नीशियम एटम और दो क्लोरीन एटम्स की जरूरत पड़ेगी क्यों क्योंकि मैग्नीशियम एटम अपने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एक क्लोरीन का एटम और दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा दूसरा क्लोरीन का एटम तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों एम जी सी एल टू बन जाएगा दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एक मैग्नीशियम का एटम और दो क्लोरीन के एटम्स क्या बन जाएंगे आ, यहां पे बेसिकली तीन आयन्स बन जाएंगे एक मैग्नीशियम आयन बनेगा और दो क्लोराइड आयन्स बनेंगे और ये मिल करके क्या बना लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को यहाँ पर हम कैसे जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो ये रहा मैग्नीशियम का एटम और इसके हमने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से जो है डिनोट किया है ये दो क्लोरीन के एटम्स हैं और इन दोनों ही क्लोरीन के एटम्स के जो इनके रिस्पेक्टिव साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया है डॉट से डिनोट किया देखो यहाँ पे ये क्लोरीन आइटम है तो इसके सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से डिनोट किया है ये क्लोरीन आइटम है तो इसके भी हम सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से क्या करेंगे डिनोट करेंगे ठीक है अब क्या होगा मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा और कहा आ जाएगा क्लोरीन एटम के अंदर चला जाएगा अरे यार मैग्नीशियम एटम के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एटम से बाहर निकलेगा और कहाँ चला जाएगा क्लोरीन एटम में चला जाएगा फिर दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मैग्नीशियम एटम से बाहर निकलेगा और वो कहां चला जाएगा क्लोरीन एटम में चला जाएगा तो यहां पे देखो मैग्नीशियम आयन बन गया और दो क्लोराइड आयन्स बन जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा एमजीसीएल टू आयनिक कंपाउंड बन जाएगा ठीक चलो दस देर आर दस वन मैग्नीशियम आइटम कंबाइन विद टू क्लोरी एक मैग्नीशियम एटम जो है देखा जाए तो दो क्लोर के साथ मैग्नीशियम क्यों? आइटम अपने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आइटम में से बाहर निकालता है दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एक क्लोरिन आइटम और दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दूसरा क्लोरीन का एटम तो इसलिए एक मैग्नीशियम एटम एक मैग्नीशियम एटम कंबाइन हो जाता है दो क्लोरीन एटम्स से ठीक है देयर फोर फॉर्मूला क्या बन जाएगा एम जी सी एल टू हेयर अगेन द ऑपोजिटली चार्ज आयनस जो हैं मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आके लग जाते हैं अरे यहाँ पे जो आय बने हैं मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स उन आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिकोर्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आकर के लग जाते हैं ions, ions पास पास आते हैं और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं जिसके कारण बन जाता है क्या एम जी सी एल टू आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड हेयर अगेन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स आर हेल्ड टूगैदर बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेज ऑफ अट्रेक्शंस क्लोराइड तो बेटा यहां भी देखो वही होने वाला है जो मैग्नीशियम क्लोराइड में हुआ था क्या यहां पर आपको कैल्शियम का एक ही लेना होगा और chlorine के यहां पर आपको दो एटम्स लेने होंगे बताना मैंने कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड में हुआ वही कैल्शियम क्लोराइड में भी होगा कि कैल्शियम का केवल एक ही एटम लगेगा और क्लोरीन के पूरे दो एटम्स लगेंगे ये देखो कैल्शियम के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैल्शियम आइटम के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस डिनोट किया है और ये रहे हमारे दो क्लोरीन के atoms, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है अब देखो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैल्शियम आइटम से बाहर और कहा आएगा क्लोरीन आइटम में आ जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कैल्शियम आइटम से बाहर निकलेगा और कहा जाएगा क्लोरीन आइटम के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम आयन और यहाँ पे देखो दो क्लोराइड आयन बन जाएंगे और बेसिकली क्या होगा वही ऑपोजिटली चार्ज आयन्स बन गए हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे आयन्स पास पास आएंगे और आयनिक बॉन्ड्स बन जाएंगे और बन जाएगा क्या आयनिक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड इतना क्लियर हुआ चलो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अटोमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज बारह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज टू कॉमा एट कॉमा टू वाई वाली बात है कि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन मैग्नीशियम एटम को अक्वायर करना है तो इसके लिए क्या होगा मैग्नीशियम एटम अपने दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से दफा कर देगा है ना और क्या बन जाएगा मैग्नीशियम आयन बन जाएगा ऑक्सीजन की बात करें तो अटोमिक नंबर होता है आठ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है टू कॉमा छमोस्ट शेल में होने चाहिए पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने छ मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है मतलब कि जो ऑक्सीजन एटम है वो पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए अरे ये क्या बात हुई भाई मैग्नीशियम एटम भी क्या कर रहा है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देता है ना तो ऑक्सीजन एटम का भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एटम भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा सीधी सी बात है अगर मैग्नीशियम एटम अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है तो एक ऑक्सीजन एटम आट, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं कर सकता यह कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना हो गई देखो इट गेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स इन दैलेंस शेल्ट टू अक्वायर द स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन अगेन टू कॉमा एट एंड फॉर्म ऑक्साइड आईन दट इज ओ टू नेगेटिव आय दस इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैगनीशियम ऐटम टू ऑक्सीजन ऐटम एज रिप्रेजेंटेड बिलो तो बेसिकली यहाँ पर देखो हुआ क्या कि मैगनीशियम ऐटम ने अपने दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐटम में से बाहर निकाल दिया और उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया ऑक्सीजन के एक एटम ने तो मैग्नीशियम एटम ने क्योंकि आ, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है इसलिए बन जाता है मैग्नीशियम आयन और क्योंकि ऑक्सीजन के एटम ने ऑक्सीजन के एक एटम ने उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है वही नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन को अक्वायर करने के लिए इसीलिए बन जाता है क्या ऑक्साइड आयन दैट इज ओ टू नेगेटिव आयन समझे कि नहीं ये कैसे बना जब मैग्नीशियम एटम ने अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल दिया ये कैसे बना जब ऑक्सीजन एटम ने उन्हीं दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया जब ऑक्सीजन एटम ने उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया एक्सेप्ट कर लिया नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए इसलिए यहां पे क्या बन गया बच्चों ऑक्साइड आयन बन गया अब देखो फिर से दो आयन्स बन गए दोनों आयन्स कैसे हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन्स हैं इनके बीच में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे इन दोनों ही आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे अल्टीमेटली होगा क्या बॉन्ड बन जाएगा भैया इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा ट इज आयनिक बॉन्ड और इस आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण क्या होगा अरे यार दोनों आयेक्ट्रोस्टेटिकल्टीमेटली दोनों आय बॉन्ड बन जाएगा दैट इज आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से होगा क्या अरे आयनिक कंपाउंड बन जाएगा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है अच्छा यहां पर क्या हो रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर तो हो रहा है दो एटम्स के बीच में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं आयनिक कंपाउंड्स के वहाँ पे क्या हो रहा था दो एटम्स के बीच में केवल एक ही एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था लेकिन यहां पर पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है दस इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैग्नीशियम एटम टू ऑक्सीजन एटम एज रिप्रेजेंटेड बिलो ये देखो ये दिख रहा है ये रहा मैग्नीशियम एटम और इसके दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से डिनोट करेंगे ये रहा ऑक्सीजन एटम और इसके छह वैलेंस छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से डिनोट करेंगे अरे ये मैग्नीशियम एटम है और इसके दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस डिनोट करेंगे ये ऑक्सीजन आइटम है और इसके छ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से डिनोट करेंगे एक दो तीन चार पाँच ठीक है अब क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा मैग्नीशियम आइटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा आइटम में से और वो कहाँ जाएगा इस ऑक्सीजन आइटम में आ जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मैग्नीशियम एटम से निकलेगा और कहा आ जाएगा इसी ऑक्सीजन एटम में आ जाएगा तो देखो मैग्नीशियम आयन आयन बन गया आयन बन गया गया और ऑक्साइड दोनों आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग जाएंगे दोनों आयन पास पास आ जाएंगे बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन से क्या होगा अल्टीमेटली आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा क्या बन जाएगा बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके क्लियर आगे बढ़े फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है अरे कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है, है. मैग्नीशियम मतलब की लूज करेगा नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए जस्ट लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम भी अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा टू अक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन और उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को कैल्शियम एटम जिन दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से दफा करेगा उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑक्सीजन का एटम गेन कर लेगा भाई वही वाली बात होगी ना कि अगर कैल्शियम अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए तो फिर ऑक्सीजन एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अक्वायर करने के लिए क्या दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता बिल्कुल कर सकता है अगर कैल्शियम आइटम दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है तो ऑक्सीजन आइटम दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं कर सकता बिल्कुल कर सकता है बिल्कुल कर सकता है और करेगा देखो कैल्शियम के दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन आइटम के छह बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच ठीक? अब क्या होगा कैल्शियम एटम से उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहा जाएगा ऑक्सीजन एटम में जाएगा दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और वो भी कहा जाएगा सेम ऑक्सीजन एटम में जाएगा तो कैल्शियम आयन बन जाएगा और ऑक्साइड आयन बन जाएगा दोनों आयन्स बन गए हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स बन गए हैं इनके बीच में फोर्सेस काम करने लग जाएंगे दोनों आयन्स पास पास आ जाएंगे, आयनिक bond बन जाएगा और बन जाएगा क्या, आयनिक compound, calcium oxide. ठीक है? आगे बढ़े सोडियम ऑक्साइड अब हम बात करेंगे कि सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है अटोमिक नंबर ग्यारह किसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू कॉमा एट कॉमा वन वही में होने चाहिए पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तो केवल एक ही है मतलब पूरे सात इलेक्ट्रॉन्स की कमी है सोडियम के एटम में तो सोडियम एटम बोलेगा आता माजी सटकली और सोडियम एटम क्या करेगा गुस्से गुस्से में अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देगा ऑक्सीजन एटम है अटोमिक नंबर इज एट मतलब कि ऑक्सीजन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एट तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या आ जाएगा टू कॉमर सिक्स आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने छः मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्सीजन एटम में नियरेस्ट नोबल गैस कंफिग्रेशन को अक्वायर करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो अब ऑक्सीजन एटम बड़ा परेशान बैठा है कि हाय मैं क्या करूं मैं तो बिल्कुल ही जना लुट गया बर्बाद हो गया क्यों नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अक्वायर करने के लिए इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो फिर एक सोडियम एटम बोलेगा ऑक्सीजन एटम से कि सुनो ऑक्सीजन एटम तुम रो मत क्यों सोडियम एटम बोलेगा कि भैया मेरा जो एक इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेरी स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा है

इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल रहा हूं तो अगर तुम चाहो तो तुम उसको गेन कर सकते हो तो ऑक्सीजन एटम बोलेगा लो यही तो हम चाह रहे थे भैया हमारे अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो हमको तो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए दो में से एक इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो तो कम से कम आउटरमोस्ट शेल में छ से सात इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएंगे तो सोडियम एटम बोलेगा ठीक है मैं तो वैसे भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर ही रहा हूं तुम्हें तो अगर वो चाहिए तो तुम रख लो तो यही होगा सोडियम एटम अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से सोडियम एटम अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देगा और वही इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का एटम गेन कर लेगा लेकिन अभी भी ऑक्सीजन एटम रो रहा है क्यों माना कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन उसने कर लिया है और गेन करने के बाद अब उसके आउटरमोस्ट शेल में छ से सात इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं लेकिन अभी भी तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना बेटा मैंने तुमको पहले ही बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में छ इलेक्ट्रॉन से होने चाहिए आठ मतलब कि पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो तो पूरी हो गई क्योंकि इसने क्या करा है सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया लेकिन अभी भी तो एक इलेक्ट्रॉन कमी है ना तो अब क्या होगा दूसरा सोडियम एटम आएगा दूसरा सोडियम एटम आएगा और वो बोलेगा कि ऑक्सीजन एटम तुम रो मत क्योंकि मैं भी क्या कर रहा हूं अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल रहा हूँ तो तुम वो गेन कर लेना तो ऑक्सीजन बोलता है है ना ऑक्सीजन एटम बोलेगा कि हाँ ये तुमने सही करा सोडियम है ना तो सोडियम जो दूसरा वाला सोडियम एटम है बेटा मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ इसका काम तो हो चुका है मैं दूसरे सोडियम एटम की बात कर रही हूँ कि दूसरा सोडियम एटम क्या करेगा अपने इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकालेगा और उसी इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन का एटम गेन कर लेगा तब जाकर के इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे आठ इलेक्ट्रॉन्स तब जाकर के ऑक्टेट होगा कंप्लीट तब जाकर के इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा अक्वायर और ये हो जाएगा क्या स्टेबल तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर तीन आयन्स बन जाते हैं दो सोडियम आयन्स और एक ऑक्साइड आयन दो सोडियम आयन्स बन जाते हैं और एक ऑक्साइड आयन बन जाता है आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है दो सोडियम एटम्स से एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है दो सोडियम एटम्स से कैसे इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से कि दो सोडियम एटम्स ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं दो सोडियम एटम्स ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को टू बी मोर स्पेसिफिक ऑक्सीजन एटम गेन कर लेता है तो यहां पर बेटा तीन आयन्स बनेंगे एक ऑक्साइड आयन और दो सोडियम आयन्स इन आयन्स के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करेंगे बॉन्ड बन जाएगा है ना और क्या बन जाएगा आयनिक कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड दैट इज एन ए टू ओ बट ईच ऑक्सीजन एटम नीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू अक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. हेंस टू सोडियम एटम्स विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज द ऑक्सीजन एटम विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय टू सोडियम एटम्स टू फॉर्म ऑक्साइड आयन एज रिप्रेजेंटेड बिलो ये देखो यहाँ पे दो सोडियम के आइटम्स हैं और दोनों ही आइटम्स के जो एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने क्रॉस से डिनोट किया है और ऑक्सीजन आइटम के जो छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने डॉट से डिनोट किया है देखो क्या होगा ये वाला जो जो सोडियम आइटम है इसका इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम से निकलेगा और कहाँ जाएगा ऑक्सीजन एटम में जाएगा इस सोडियम एटम का भी जो इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा ऑक्सीजन एटम में चला जाएगा तो बन जाएंगे दो सोडियम के और एक ऑक्साइड आयन। क्या बन जाएगा कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड ठीक है आगे बढ़े तो बच्चों यहां पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कौन सा कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट वो होता है कंप्लीट अरे मेरी बात तो सुन लो इसी एग्जाम्पल के साथ जो हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट यह होता है कंप्लीट हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है ठीक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट ये हो गया भैया टॉपिक हो गया बस इतना ही पढ़ाना था तुम्हें मुझे इस टॉपिक में ठीक है समझ में आ गया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं समझ में में आ गया कि मेटल्स मेटल्स नॉन आपस कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? बना -बना करके, ठीक है तो अब अगर मैं तुमसे पूछ लू बच्चों किसी दिन कि जरा मुझे बताओ कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते तुम तो, तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं आयंस बना बना करके मेटल्स बनाते हैं या मेटल्स के एटम्स बनाते हैं पॉजिटिव आयंस एंड नॉन मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स हैं वो बनाते हैं नेगेटिव आयंस अरे सुन लो मेरी बात कि अगर किसी दिन तुमसे मैंने ये सवाल पूछ लिया कि बच्चों मुझे बताओ कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते तो तुम क्या बोलोगे मैम आयंस बना बना के मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स होते हैं वो बनाते हैं पॉजिटिव आयंस नॉन मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स होते हैं आई रिपीट सुन लो मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स होते हैं वो बनाते हैं पॉजिटिव आयन्स नॉन मेटल्स के जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स होते हैं वो बनाते हैं नेगेटिव आयन्स तो दो तरह के आयन्स बन जाते हैं पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं और इन दोनों ही टाइप के आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाते हैं भाई दो टाइप के आयन्स बन जाएंगे पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे नेगेटिव आयन्स बन जाएंगे फिर इन दोनों ही टाइप के आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने लग जाते हैं दोनों ही टाइप के आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने लग जाते हैं आयंस पास पास आते हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं और जहां आयनिक बॉन्ड्स बने आयनिक कंपाउंड्स भी बन जाते हैं ठीक है चलो तो अब अपना एक टॉपिक तो हो गया अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जो कि है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बेटा अभी अभी तुमको मैंने इतने सारे आयनिक कंपाउंड्स बनाना सिखाए हैं ना अभी तुमको मैंने इतने सारे आयनिक कंपाउंड्स बनाना सिखाए हैं ना ये सारे क्या हैं ये सारे आयनिक कंपाउंड जी तो हैं सोडियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एन है हैं सोडियम क्लोराइड ये सब क्या हैं ये आयनिक कम्पाउंड जी तो हैं तो अभी अभी हमने सीखा ना कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं अब हम ये सीखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं क्योंकि सवाल तो आता है आता है जी सवाल आता है इस टॉपिक के ऊपर कई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं तो जब हमें पता है कि भाई ये टॉपिक के ऊपर सवाल बनते हैं तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक को हम अच्छे से डील करेंगे है ना आ जाओ देखो तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये आपको मैंने समझा दिया है अब हम उन्हीं आयनिक कंपाउंड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ज़्यादा नहीं कुछ ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम निपटा देंगे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट देखो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अधिकतर जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर रिलेटिवली हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स जैसे कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि जब भी एक आयनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं जब भी हम एक आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो बच्चों उस आयनिक कंपाउंड में आपको दो तरह के आयन्स मिलते हैं एक पॉजिटिव आयन्स मिलते हैं एक नेगेटिव आयन्स मिलते हैं होता क्या है उन दोनों ही अपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं सुनो मेरी बात जब हम बात करते हैं एक आयनिक कंपाउंड की तो बेटा एक आयनिक कंपाउंड में आपको क्या मिलते हैं आयन जी तो मिलते हैं वो भी दो तरह के पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं और नेगेटिव आयन्स भी होते हैं पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं नेगेटिव आयन्स भी होते हैं और होता क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं जिसके कारण आयन्स पास पास आते हैं और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं और अल्टीमेटली आयनिक कंपाउंड बन जाता है देखो अगर आपको एक आयनिक कंपाउंड बनाना है फॉर एग्जाम्पल आपको आ, NaCl बनाना है आपको सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनाना है तो इसके लिए आपको सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को पास पास तो लेकर के आना पड़ेगा ना ऐसा तो नहीं है कि आपने डिसाइड किया है कि भैया हम तो जो है सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनाएंगे एनए कंपाउंड बनाएंगे और कंपाउंड uh, को बनाने के लिए आपके पास सोडियम आयन्स यहाँ पड़े हुए हैं और क्लोराइड आयन्स यहाँ पड़े हुए हैं तुमने डिसाइड तो कर लिया कि भैया आज तो हम क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बना के रहेंगे लेकिन हुआ क्या सोडियम आयन्स यहाँ पड़े हुए हैं और क्लोराइड आयन्स वहाँ पड़े हुए हैं तो ऐसे कैसे कंपाउंड बनेगा भैया एन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को पास पास तो लेके आना पड़ेगा ना ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ पड़े हुए हैं सोडियम आयन्स और यहाँ पड़े हुए हैं क्लोराइड आयन्स तो ऐसे कैसे कंपाउंड बनेगा भैया एनए सी बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को पास पास तो लेकर के आना पड़ेगा ना पास पास लेकर के नहीं आओगे तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो सुनो मेरी बात होता यह है कि हम सोडियम आयन्स को और क्लोराइड आयन्स को पास पास लेकर के आते हैं सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं आई रिपीट सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं जिसके कारण सोडियम एंड क्लोराइड आयंस पास पास आ जाते हैं और जहां वो पास आए उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बन गए तो बस आयनिक कंपाउंड बन गया मैं आपको पहले ही बता रही हूं क्या कि एनिसियल एक ऐसा मतलब वो क्या जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं मैं सबकी बात आपको बता रही हूँ है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एन की बात मैं आपको बता रही हूँ सुनो जो एन की कहानी है वही कहानी बाकी सारे आयनिक कंपाउंड्स की भी है मैं तुम्हें सारे आयनिक कंपाउंड्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैं एन का एग्जाम्पल ले रही हूँ इसलिए सिर्फ एन में ही होता है वो ना सब में होता है बस एग्जाम्पल एन का मैंने लिया है तो जो कहानी एन की है वही कहानी बाकी आयनिक कंपाउंड्स की भी है कि अगर तुमको एनएसईएल बनाना है तुम्हें आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनाना है तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को आ, पास पास लेकर के आना होगा तो सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण सोडियम एंड क्लोराइड आयंस पास पास आ जाते हैं और जहाँ वो पास पास आए उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं और जहाँ आयनिक बॉन्ड्स बने बन गया क्या आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड तभी तो तुमको मैंने एनसीईआरटी का वो स्टेटमेंट पढ़ाया था एनसीईआरटी का वो स्टेटमेंट है बेटा ये वाला एनसीईआरटी का ही ये स्टेटमेंट है अपने आप से स्टेटमेंट नहीं बताया तुमको मैंने ये देख लो कांग्या अरे अरे ये देखो इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल्स सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है बट ये एक अग्रीगेट है पॉजिटिवली चार्ज सॉरी ऑपोजिटली चार्ज आयंस का ये एनसीआरटी की लाइन है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता एन मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो तो क्या है एक अग्रीगेट है ऑपोजिटली चार्ज आयंस का सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का तो मैं बार बार यही तो तुमसे बोल रही हूं कि अगर तुम्हें एक आयनिक कंपाउंड एनएससीएल बनाना है तो इसके लिए तुम्हारे पास सोडियम एंड क्लोराइड आयंस तो होने चाहिए ना जिन जिनको तुम इकट्ठा करोगे तो बेसिकली अगर तुम्हें आयनिक कंपाउंड NaCl बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हारे पास सोडियम आयन होने चाहिए क्लोराइड आयन होने चाहिए और जब तुम्हारे पास सोडियम एंड क्लोराइड आयन आ जाए फिर इन आयन्स को तुम इकट्ठा करो जब तक ये इकट्ठा नहीं होंगे जब तक कि सोडियम एंड क्लोराइड आयन इकट्ठा नहीं होंगे तब तक एनएसएल कंपाउंड तो नहीं बनेगा तो सोडियम आयन्स बन गए क्लोराइड आयंस बन गए कैसे बन गए वो हम पढ़ चुके हैं फिर क्या होगा जैसे ही सोडियम आयंस बने क्लोराइड आयंस बने उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाते हैं और जिसके कारण अब सोडियम एंड क्लोराइड आयंस पास पास आ जाते हैं और जहां पास पास आए उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बन गए और जहां आयनिक बॉन्ड्स बन गए बन गया क्या क्याल आयनिक कंपाउंड आई बात समझ में तो ये केवल जो है एनए सील के ऊपर लागू नहीं होता है ये हर एक आयनिक कंपाउंड के ऊपर लागू होता है जैसे कि अगर मैं तुम्हें चलो एग्जाम्पल दूँ किसका चलो अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है आयनिक कंपाउंड ही है ना ये आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा ये आयनिक कंपाउंड ऐसे बनेगा कि सबसे पहले तुम्हारे पास होने चाहिए मैग्नीशियम आयन्स फिर तुम्हारे पास होने चाहिए ऑक्साइड आयन्स अब सपोज मैग्नीशियम आयन्स बन गए ऑक्साइड आयन्स बन गए कैसे बन गए मैं बता चुकी हूं अब क्या होगा मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगे आई रिपीट मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगे जिसके कारण मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आयंस पास पास आ जाएंगे और जहां वो पास पास आए उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बन जाएंगे और जहां आयनिक बॉन्ड्स बने बन जाएगा क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयनिक कंपाउंड ठीक है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है हमको यहां पे प्रॉपर्टी बताई जा रही है हम बच्चों यहां पर आयनिक कंपाउंड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल स्टेट की तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अधिकतर जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं अधिकतर हमारे आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों दे आर रिलेटिवली हार्ड ये रिलेटिवली हार्ड होते हैं कौन आयनिक uh, कंपाउंड्स। क्यों क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स बने किसके होते हैं आयन्स के बने होते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बने होते हैं और इन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं ना आई बात समझ में अरे यार आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं आयंस के किस तरह के आयन्स तो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव आयन्स और इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के बीच में होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं ना तो इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण आयन्स पास पास आ जाते हैं और अगर आयन्स पास पास आ गए तो जाहिर सी बात है आयंस से जो कंपाउंड्स बनेंगे कंपाउंड्स इस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में जो है ना एग्जिस्ट करेंगे दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस ऑन अप्लाइंग फोर्स फोर्स अप्लाई करोगे है ना फोर्स अप्लाई करोगे तो ये टूट भी जाएंगे इसका मतलब ये ब्रिटल भी होते हैं मतलब रिलेटिवली हार्ड बोला है ये ना दो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो दो अलग-अलग क्या बोलते हैं ऑपोजिट सेंटेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि एक जगह हम बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं हार्ड होते हैं और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो कैसे होते हैं ब्रिटल होते हैं तो मतलब ये क्या हुआ ये तो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हो गए कि एक हमने कि नहीं नहीं, जगह हमने बोला कि नहीं नहीं आयनिक कंपाउंड आर हार्ड और दूसरी जगह हमने बोला कि नहीं नहीं आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल कि प्रेशर अप्लाई करोगे तो टूट जाएंगे पीसीज में हाँ डेफिनेटली आप देखो जैसे कि चौक है वो जो ब्लैक बोर्ड वाली जो चौक होती है ना हम उस चौक की बात कर रहे हैं अरे ब्लैक बोर्ड वाली चौक होती है ना तो हम उस चौक की बात कर रहे हैं कहने को तो वो चौक भी क्या है सॉलिड है है ना लेकिन अगर आप उस चौक पर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो पीसेस में टूट जाती है ना ज़्यादा ही प्रेशर अप्लाई कर दिया ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई कर दिया वो तो पूरी पाउडर ही बन जाती है चूरा हो जाता है उसका है कि नहीं तो कहने को तो जो चौक है बेटा ब्लैक बोर्ड वाली जो चौक होती है वो भी सॉलिड है लेकिन अगर आप जैसे उस पर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हो वो पीसेस में टूट जाती है पीसेस के ऊपर भी अगर आपने फोर्स अप्लाई करा तो बिल्कुल ही चूरा पाउडर बन जाता है चौक पाउडर बन जाता है, है कि नहीं होता है ना तो इनका भी तो यही मामला है कि देखा जाए तो हमारे जो अधिकतर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अधिकतर आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्यों देखो हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होता है कि मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं हमने क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में पढ़ा होता है कि मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं एक सॉलिड स्टेट एक लिक्विड स्टेट और एक गैशियस स्टेट है ना अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो बहुत स्ट्रोंग होते हैं भाई सॉलिड है ये एक सॉलिड है तो बेटा सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं है ना ये देखो ऐसे बल्कि यहां भी दूर दूर बन रहे हैं और पास पास होते हैं है कि नहीं ये सॉलिड है अरे हाँ ये सॉलिड है ये क्या है सॉलिड के सारे पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स आप देख रहे हो कितने पास पास हैं एक दूसरे से? भी भी दूसरे से बिल्कुल चिपक चिपक के हैं अरे ये सॉलिड है और ये सारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं ये पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं क्यों क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं बच्चों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसके कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पाते बेटा तुम, तुम्हें और तुम्हारे बीस दोस्तों को अगर मैं एक रस्सी से बांधूँ मैं तुम्हें और तुम्हारे बीस दोस्तों को एक रस्सी से बांधूँ और बहुत टाइटली बांधूँ तो क्या तुम और तुम्हारे दोस्त बीस दोस्त एक दूसरे से दूर दूर जा पाएंगे क्या नहीं क्यों क्योंकि तुम सबको मैंने एक ही रस्सी से बांधा और बांधा भी बहुत कसके है रस्सी इतनी टाइटली मैंने बांधी है कि तुम लोग एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा है कि ये जो सॉलिड है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पा रहे हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पा रहे हैं सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं सारे पार्टिकल्स बहुत ही क्या बोलेंगे पास पास हैं ठीक है और क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं रहे हैं जिसके कारण पार्टिकल्स पास पास हैं और पार्टिकल्स के पास पास होने से क्या हो रहा है सॉलिड का एक डेफिनेट शेप बन पा रहा है हम बोलते हैं ना कि सॉलिड्स जो होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है क्यों होता है डेफिनेट शेप क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं जिसके कारण सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा पाते दूर दूर ना जा पाने से क्या होता है पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास ही रहते हैं चिपक चिपक के रहते हैं जिसके कारण एक डेफिनेट शेप हो जाता है एक सॉलिड का आई बात समझ में वहीं अगर मैं बात करूं एक लिक्विड की अगर मैं बात करूं एक लिक्विड की तो बेटा लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसा नहीं है कि उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं लगते हैं लगते हैं लेकिन इनके कंपेरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो थोड़े से कमजोर लगते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर जा पाते हैं जो रस्सी से मैंने तुमको और तुम्हारे दोस्तों को बांधा था अगर वो रस्सी मैं थोड़ी सी ढीली कर दूँ तो क्या होगा तुम और तुम्हारे दोस्त एक दूसरे से फिर थोड़ा सा दूर दूर जा पाओगे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने रस्सी इतनी ढीली कर दी कि तुम लोग जो है जहाँ मन चाह रहा है वहाँ जा रहे हो अरे तुमको और तुम्हारे दोस्तों को मैंने जिस रस्सी से बांधा था उस रस्सी को मैंने बस थोड़ा सा ही ढीला किया है जिसके कारण तुम और तुम्हारे जो बाकी दोस्त हैं बीस दोस्त हैं वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर दूर जा पाओगे लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं कि एक यहाँ और दूसरा वहां है ऐसा भी नहीं थोड़ा थोड़ा दूर दूर जा पाओगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस तो लगते हैं लेकिन वो थोड़े वीक होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में अब क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर दूर जा पाते हैं लेकिन बहुत दूर भी नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ दूसरा यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं होता पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर दूर जा पाते हैं और इसीलिए लिक्विड्स का खुद का कोई शेप नहीं होता उनको जिस कंटेनर में डालो वो उसी कंटेनर का शेप जो है अक्वायर कर लेते हैं क्यों अरे भैया लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो थोड़े से वीक हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं ज्यादा नहीं लेकिन हाँ दूर चले जाते हैं उनके बीच में जो है स्पेसिस डेवलप हो जाती हैं जिसके कारण पार्टिकल्स जो हैं अब फ्लो करने लग जाते हैं, लिक्विड फ्लो करने लग जाता है और जिस कंटेनर में डालो उसका शेप अकवार कर लेता है वहीं अगर मैं बात करूं एक गैस की बच्चों अगर मैं बात करूं एक गैस की तो भैया गैस के पार्टिकल्स का तो कहना ही क्या है गैस के पार्टिकल्स का तो कहना ही क्या है ये गैस है गैस के कुछ चुनिंदा पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्टिव जो फोर्सेस लगते हैं वो वीकेस्ट होते हैं सबसे कमजोर होते हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो वीकेस्ट होते हैं सबसे कमजोर होते हैं जिसके कारण गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा सकते हैं अगर मैं तुम्हारे और तुम्हारे तुम्हारे दोस्तों के बीच में जो मैंने रस्सी बांधी हुई थी तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जो मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ था अगर उस रस्सी को मैं बहुत ही ढीला कर दूं, तो क्या होगा तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों का जहां मन होगा तुम लोग वहां चले जाओगे एक दूसरों एक दूसरे से तुम कितना भी दूर दूर जा सकते हो तो यहां अभी तो ये होने वाला है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं वो इतने इतने कम होते हैं इतने कम होते हैं इतने वीकेस्ट होते हैं कि गैस के पार्टिकल्स को कोई को कंट्रोल नहीं कर सकता वो एक दूसरे से चाहे कितना भी दूर जा सकते हैं उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इसीलिए हम बोलते हैं कि चाहे गैस हो चाहे लिक्विड्स हो चाहे इनका कोई डेफिनेट शेप होता नहीं है लेकिन अगर हम बात करेंगे सॉलिड की तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो स्ट्रोंगेस्ट होते हैं जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पाते हैं पार्टिकल्स बिल्कुल चिपक चिपक के चिपक चिपक के रहते हैं जिसके कारण सॉलिड का एक डेफिनेट शेप बन जाता है क्या तुम्हें इससे यहां पे कुछ दिमाग में गया कि अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है और वो कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे आयनिक कंपाउंड बेटा किसका बनता है आयंस का ही तो बनता है और उसी आयनिक कंपाउंड के लिए मैं बोल रही हूं कि वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कैसे तो वो ऐसे कि उस आयनिक कंपाउंड जो आयंस है ना आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो बहुत बढ़िया लग रहे हैं आयनिक कंपाउंड बना है आयन्स से, आयन्स से ऑपोजिटली और उन्हीं चार्ज आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो अच्छे खासे लग रहे हैं जिसके कारण आयंस बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं और क्योंकि वो पास पास हैं तो उन आयन्स से जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड कैसा तुम्हें दिख रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में दिख रहा है अगर पार्टिकल्स को मैं बिल्कुल चिपका दूं अगर पार्टिकल्स को मैं बिल्कुल आ, या तुम लोग वो छोड़ो जो तुम लोग को मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को रस्सी से बांध दूंगी अगर मैंने टाइटली रस्सी से बांध दिया तो तुम लोगों का जो एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का कोई शेप होगा शेप मुझे दिखाई देगा हो सकता है कि तुम लोगों को मैंने एक सर्कल में बांधा हो है ना सर्कल में बांधा हो कि एक लड़का यहां एक यहां एक एक ऐसे ऐसे करके है ना तो अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को मैं एक रस्सी से बांधू टाइटली बांधू तो तुम्हारा जो झुंड बनेगा जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का कोई ना कोई डेफिनेट शेप होगा रस्सी अगर मैंने ढीली कर दी तो वो शेप बिगड़ जाएगा रस्सी अगर मैंने बहुत ही ज्यादा ढीली कर दी तो बेटा शेप तो कोई रह ही नहीं जाएगा तुम्हारे ग्रुप का क्यों रस्सी बहुत ढीली करने से क्या होगा कि तुम और तुम्हारे दोस्त चाहे जहां मन करे वहां चले जाओगे एक दूसरे से कितना भी दूर दूर तुम जा सकते हो लेकिन अगर रस्ती टाइट है, तो तुम लोग ज्यादा दूर दूर जा ही नहीं सकोगे एक दूसरे से चिपक चिपक के क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि उस आयनिक कंपाउंड में जो आयन हैं जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन हैं उन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो लग रहे हैं वो अच्छे खासे लग रहे हैं और उन्हीं अच्छे खासे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं और क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं उन आयंस से बनने वाला जो आयनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है आई होप कि तुम्हें मेरी ये बात समझ में आई होगी दो मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर इसी को हम कंटिन्यू करते हैं ओके जी आ जाओ आपका ब्रेक होता है फिनिश आ जाओ आ जाओ वापस आ जाओ चलो चलो आ जाओ ब्रेक हो गया करें सेशन को कंटिन्यू करें करें सेशन को कंटिन्यू आ रहा है समझ में आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ मतलब अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही करी है लेकिन फिर भी ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आ रही है अच्छे से चलो चलो थैंक यू अनमोल आगे बढ़ते हैं मैम किट कैट चॉकलेट क्यों भाई क्यों दे रहे हो मुझे किट कैट क्यों दे रहे हो सेशन बस थोड़ी देर का ही बचा है उसके बाद में हमारा सेशन जो है पूरा हो जाएगा मैम पूरा रट गया वेरी नाइस nice. <laughs> रटना तो नहीं ऐसा बोलो कि हम मैम समझ में आ गया और याद रह जाएगा ठीक है रटना अपन रटते थोड़ी रटते तो वो हैं जिन्हें समझ में नहीं आता ठीक है अगर समझ में आ रहा है मतलब रटा नहीं है और अगर रटा है मतलब समझ में नहीं आया ठीक है पूरा माइंड में बहुत बढ़िया दिमाग दिमाग में छप गया ये बात चलो आगे बढ़े बढ़ जाए चलो नमस्कार जी नमस्कार देखो तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर मैं एक आयनिक कंपाउंड की बात करूं बच्चों तो एक आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है आई रिपीट एक आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है क्यों क्योंकि आ, उस आयनिक कंपाउंड्स में सॉरी सॉरी हम एक ही आयनिक कंपाउंड की अभी बात कर रहे हैं है ना नहीं तो, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे बेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं केवल एक ही आयनिक कंपाउंड की अभी जो एक आयनिक कंपाउंड की कहानी वही कहानी बा, बाकी आयनिक कंपाउंड्स की भी है ठीक है तो एक आयनिक कंपाउंड है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है क्यों क्योंकि उस एक आयनिक कंपाउंड में जो आयंस हैं ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं उन ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं मैं ना इसे ड्रॉ करके बताती हूं देखो यहां पर हम बना देते हैं पॉजिटिव आयंस और बच्चों ये हैं नेगेटिव आयंस ठीक है सो दीज आर नेगेटिव आयंस एंड दीज आर पॉजिटिव आयन्स ये सारे नेगेटिव आयन्स हैं ये सारे पॉजिटिव आयन्स हैं ठीक है और ये है कहाँ अरे ये आयंस मिलकर बना रहे हैं एक आयनिक कंपाउंड ठीक है आयनिक कंपाउंड तो बच्चों हम बात कर रहे हैं एक मेरा कान बंद हो गया छोड़ो हम बात कर रहे हैं एक आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं बच्चों एक आयनिक कंपाउंड की और इस आयनिक कंपाउंड में आपको मिलेंगे आयंस वो भी दो तरह के एक पॉजिटिव आयन्स और एक नेगेटिव आयंस आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं और इस आयनिक कंपाउंड में आपको मिलेंगे दो तरह के आयन्स पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स तो होता क्या बच्चों इन्हीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है ये क्या लग रहा है आयंस के बीच में इलेक्ट्रो स्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं आयनिक कंपाउंड है जिसमें आपको आयन्स ही मिलेंगे वो भी दो तरह के पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स एंड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के बीच में हो क्या रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या होगा अरे आयन्स पास पास ना आ जाएंगे रिपल्सिव फोर्सेस अगर लगते हैं रिपल्सिव फोर्सेस अगर लगते हैं तो चीजें रिपल करती हैं अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं तो चीजें अट्रैक्ट करेंगी ना बच्चों तो आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं और इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये आयंस पास पास आ जाते हैं ये आयंस पास पास आ जाते हैं मैं बताऊं ऐसे पास पास आ जाते हैं ठीक है आयंस जो है ऐसे पास पास आ जाते हैं और जब आयंस पास पास आ जाएंगे बेटा आयंस जब ऐसे पास पास आ जाएंगे तो इन आयंस से जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट कर ही लेगा ना यार अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं यार आयंस के बीच में तो आयंस पास पास आ जाएंगे आयंस ऐसे पास पास आ जाएंगे और जब आयंस ऐसे पास पास आ जाएंगे जब आयंस ऐसे पास पास आ जाएंगे तो आयंस से जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है बेटा वो तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर ही लेगा ना बिल्कुल कर लेगा क्या बड़ी बात है बस यही तुम्हें समझाना था अच्छा यहां पर तो मैंने फिर भी आयंस को थोड़ा दूर दूर बनाया है मैं काम करती हूं यहां पर मैं आयंस को और पास पास बना लेती हूं ये लो जी आप दिख रहा है अब तो आ गए आयंस पास पास ठीक है अब आ गए आयंस पास पास तो जहां आयंस के बीच में ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने शुरू होते हैं जहां ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगना शुरू होते हैं आयन्स पास पास आ जाते हैं और जहां आयन्स पास पास आए उन आयंस से जो आयनिक कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लग जाता है ठीक है अब आ जाओ अब देखो बच्चों ये आपकी एनसीआरटी की लाइन है एन को हमें आ, छोड़ना नहीं है एन को ही साथ लेकर के हमें चलना है क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीआरटी से ही सेट किया जाता है तो उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है ठीक है ये बाकायदा देखो आपकी एन का ही एक पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है आप देख सकते हो पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है चाहे तो तुम लोग उसको टैली भी कर सकते हो <laughs> देखो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर सम वॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन्स यहाँ पर जिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के बीच में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना ये कैसे होते हैं स्ट्रोंग इनफ होते हैं ठीक है ये कैसे होते हैं बच्चों अरे इतना मोटा क्यों लिख रहा है हाँ ये स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं ना ये स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं एक होता है अब वही वाली बात है ना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बीस दोस्तों को रस्सी से बांधूँ अब कहने को तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे बीस दोस्तों को रस्सी से बांधा है लेकिन रस्सी बांधने की भी तो इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है ना एक बार मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को रस्सी से बहुत ही टाइटली बांधा है इतने टाइटली बांधा है कि तुम लोग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हो तुम और तुम्हारे बीस दोस्त एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पा रहे हो क्यों क्योंकि रस्सी मैंने बहुत टाइटली बांधी है फिर दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि मैंने रस्सी को थोड़ा सा ढीला बांधा है जिसके कारण तुम और तुम्हारे दोस्त एक दूसरे से बस थोड़ा थोड़ा दूर जा पा रहे हो ज़्यादा नहीं और तीसरा वो केस जहाँ पर मैंने रस्सी को बहुत ही ढीला बांधा है तो ढीले बांधने से क्या होगा तुम और तुम्हारे दोस्तों को जहाँ मन करेगा तुम लोग वहाँ निकल जाओगे एक दूसरे से कितना भी दूर दूर जाना हो जाओगे तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा आई बात समझ में तो वही वाली बात है कि माना कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं तो फोर्सेस के लगने की भी तो अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है ना फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं फोर्सेस वीक भी हो सकते हैं फोर्सेस वीकेस्ट भी हो सकते हैं तो नो no डाउट एक आयनिक कंपाउंड में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं जिससे कि आयन्स पास पास आ जाते हैं और जहां आयंस पास पास आए जहाँ आयन्स पास पास आए जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लग जाता है आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लग जाता है ठीक है so, सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर सम वॉट हार्ड वही वाली बात है ना कि आयन्स इतने पास पास आ गए हैं आयनिक कंपाउंड्स के एक आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एक आयनिक कंपाउंड के जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो इतने पास पास आ गए हैं कि जो कंपाउंड है वो थोड़ा तो हार्ड हो ही गया है इतना सॉफ्ट भी नहीं है है ना आयनिक कंपाउंड के जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो इतने पास पास आ जाते हैं कि आयंस के पास पास आने से जो आयनिक कंपाउंड है वो थोड़ा हार्ड तो हो ही जाता है आयनिक कंपाउंड थोड़ा तो थो हार्ड हो ही जाएगा इसके अलावा बिकॉज ऑफ द स्ट्रोंग अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल थोड़े ब्रिटल भी होते हैं कमजोर टाइप के भी होते हैं हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं कि जरा सा आपने क्या कराया प्रेशर या फोर्स लगाया उतने में जो है ये पीसेस में टूट जाते हैं तो ये एन का स्टेटमेंट है पूरा कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स सॉलिड्स होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स एंड आर समॉट हार्ड थोड़े तो हार्ड होते ही हैं सॉलिड्स होते हैं एंड सम वॉट हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रोंग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स बट ये ब्रिटिल भी होते हैं कि जहां आपने इन पर प्रेशर अप्लाई किया ये पीसेस में टूट जाते हैं ठीक है अब यहाँ देखो uh, सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एग्जाम्पल आयन इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट देखो एक होता है सॉलिड होना और यहाँ पर हमने स्टेटमेंट देखा कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे अधिकतर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो क्रिस्टलाइन क्यों लिखा अकेले सॉलिड्स भी तो लिख सकते थे जैसे कि एनसीआर में लिखा हुआ है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं लेकिन यहाँ पर क्रिस्टलाइन वर्ड क्यों लिखा हुआ है इसका भी एक सिग्निफिकेंस है क्या देखो सॉलिड्स जिसमें कि जो कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स होते हैं वो आ, आप बोल सकते हो कि रेगुलर हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे वैसे सॉलिड्स नहीं यहां पे हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स आप बोल सकते हो कि अरेंज्ड होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में सॉलिड के पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं जैसे कि तुमको यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाई थी कि बच्चों ये क्या है ये है एक आ, -सी क्रिस्टल ये दूसरा NACL क्रिस्टल है ये तीसरा है ये चौथा है ना ये कुछ कुछ और भी है NACL क्रिस्टल्स तो अगर हम ये वाले एक NACL क्रिस्टल की बात करें तो बेटा इस देखो, कहने को तो ये सॉलिड है अरे ये सॉलिड ही ना हुआ तुमको एक प्रॉपर शेप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा तो ये क्या है बच्चों ये एक एनएसएल मतलब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है डेफिनेटली ये तुमको एक सॉलिड स्टेट में नजर आ रहा है लेकिन इसको क्रिस्टल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि देखो ना इस क्रिस्टल के अंदर जो आयंस हैं इस क्रिस्टल के अंदर जो आयन्स हैं सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड हैं तो ये एक एनएसियल क्रिस्टल है ये सॉलिड तो है लेकिन इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इस सॉलिड में जो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हैं आयन्स थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड हैं इस क्रिस्टल में इस सॉलिड में सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज है आपको दिखाई दे रहा होगा देखो थ्री डायमेंशनल स्पेस में पीछे भी इधर भी है ना इधर भी अरेंज्ड है तो सीधी सी बात है एक ऐसा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड होते हैं उस सॉलिड को हम नॉर्मल नहीं उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं तो ये एक एनएसएल सॉलिड है जिसके अंदर आपको आयंस आयंस नजर आ रहे होंगे सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस नजर आ रहे होंगे और बच्चों ये सोडियम एंड क्लोराइड आयंस डायमेंशनल स्पेस में अरेन्ज है इसलिए क्या बन गया है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया है ठीक है चलो आगे क्या था हाँ ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी वी सी दैट दीज आर ऑल सॉलिड्स आप अलग अलग सैंपल जो है आयनिक कंपाउंड्स के कलेक्ट कर सकते हो एन पोटेशियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड या कोई और सॉल्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी आप देखोगे कि ये सारे कैसे हैं सॉलिड्स हैं लेकिन ये ब्रिटल भी हैं दैट इज़ अगर आप इन पे प्रेशर अप्लाई करोगे हथौड़े से या कैसे भी तो ये पीसेज में टूट भी जाएंगे है ना ऐसा नहीं कि सॉलिड है तो बिल्कुल टूटेंगे नहीं टूट सकते हैं ब्रिटल भी होते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिबिलिटी दे आर सोलबल इन वाटर दे मतलब कौन आयनिक कंपाउंड आर सोलबल इन वॉटर जो कि एक पोलार सोलवेंट है बट इन सोलबल होते हैं ये ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में जैसे कि बेंजीन एल्कोहल ईथर क्लोरोफॉम एक्सेट्रा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे आयनिक कंपाउंड्स की क्या कि हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पानी में सोलबल uh, होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि पानी क्या है एक पोलार सॉल्वेंट है बाकी अगर हम बात करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की जैसे कि बेंजीन एल्कोहल ईथर क्लोरोफॉम तो इन सब में आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल नहीं होते हैं एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी बेटा इसमें क्या है इस ग्लास में पानी है और पानी में एनए डाला हुआ है और ये ऑयल है अरे ये ग्लास है ग्लास में पानी है पानी में एनए डाला है तो तुम देख सकते हो कि ग्लास में जो पानी है उस पानी में एनए जाकर के पूरा डिज़ोल्व हो गया लेकिन यहाँ देखो इस ग्लास में क्या है बेटा तेल है ऑयल है ऑयल में तुमने क्या करा एनए डाल दिया तो क्या हुआ एनए जाकर के तेल में डिज़ोल्व नहीं हुआ देखो पूरा नीचे एनएसियल जो है डिपॉजिट हो गया है सेटल हो गया है और ऊपर आपको ये पूरी ऑयल की सेपरेट लेयर दिखाई दे रही होगी तो पानी में जो नमक है एनएसियल है वो डिजोल्व हो गया लेकिन तेल में डिजोल्व नहीं हुआ ऐसा क्यों होता है अब ये सुन लो ये सुनना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है सुनो मेरी बात सुनो सबसे पहले हम बनाते हैं एक बीकर और उसमें हम लेते हैं पानी सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे बीकर और अरे क्या हुआ बीकर में हम लेंगे पानी आ जाओ बीकर में हम लेते हैं पानी अरे बहुत सारा पानी बनाना पड़ेगा पानी पानी पानी, पानी। कुछ इस तरीके से हम बीकर में क्या लेंगे बच्चों पानी लेंगे आ जाओ पानी ले लेते हैं Uh, कुछ ऐसे 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 चलिए जी तो ये अपन ने पूरा पानी ले लिया बीकर में ये बीकर है इसमें हमने पूरा पानी लिया हुआ है ठीक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पानी मतलब क्या अरे पानी मतलब क्या H2O H2O है ना अगर मैं पानी के एक मॉलिक्यूल की बात करूं, ये पूरा पानी है बेटा वाटर है वाटर क्या है एक कंपाउंड है पानी क्या है कंपाउंड ही तो है और ये कंपाउंड किससे बनता है मॉलिक्यूल्स से बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स से बनता है तो अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है सुनो बेटा ये पूरा पानी है वाटर क्या होता है एक कंपाउंड होता है और कंपाउंड किससे बनता है मॉलिक्यूल्स से बनता है मतलब ये जो पानी है ना ये बना होता है वाटर मॉलिक्यूल्स से यहां पर मैं बात कर रही हूं अभी एक वाटर मॉलिक्यूल की तो बेटा ये क्या है ये है वन वाटर मॉलिक्यूल अब जरा ध्यान से देखो कि ये वाटर मॉलिक्यूल बना कैसे है ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे बना है देखो ऑक्सीजन अटोमिक नंबर एट मतलब कि ऑक्सीजन के एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एट अरे यार अटोमिक नंबर आठ है मतलब कि ऑक्सीजन के एक एटम में आ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आठ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आठ इलेक्ट्रॉन्स को हम रखेंगे कैसे? ऑक्सीजन में 2, अभी तो हमने पढ़ा था। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट है मतलब कि ऑक्सीजन के इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एट होंगे कैसे रखेंगे उन आठ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे टू कॉमा छ मतलब कि के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में पूरे छह इलेक्ट्रॉन्स तो अब अब मैं काम करती हूं कि ऑक्सीजन ये जो एटम है ना इसके अराउंड इसके मैं मतलब ये जो ऑक्सीजन आटम है ना इसके मैं छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरीके से ठीक है तो ये हुआ ऑक्सीजन एटम और ये मैंने बना दिए उसके छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये हुआ ऑक्सीजन आइटम और ये मैंने बना दी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच ओके अब यहां पर है एक हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर वन मतलब कि इस हाइड्रोजन एटम में ले दे करके केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ये लो बना दिया अरे हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर वन तो इस हाइड्रोजन एटम में ले दे करके केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा यहां देखो ये हुआ दूसरा हाइड्रोजन एटम ये हुआ बच्चों दूसरा हाइड्रोजन एटम तो इस एटम के पास भी ले देकर के इसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा केशल में ठीक है अब होगा क्या ये हाइड्रोजन एटम सोचेगा कि अरे यार जो मेरा शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो मेरे के शेल में फिर दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मतलब कि मेरा डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट मतलब कि मैं स्टेबल बन जाऊंगा ये वाला हाइड्रोजन आइटम कि यार जो मेरा के शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है बस एक और इलेक्ट्रॉन मुझे अगर कोई दे दे तो मेरे के शेल में फिर दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेरा डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट और मैं हो जाऊंगा स्टेबल तो अब ये हाइड्रोजन ऐटम इस ऑक्सीजन ऐटम से बोलता है ये हाइड्रोजन ऐटम Uh, इस ऑक्सीजन आइटम से बोलता है कि अरे सुनो ऑक्सीजन आटम तुम्हारे पास तो यार छ छ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है छ छ मतलब बारा नहीं अरे सुनो ये हाइड्रोजन आइटम बोलेगा ऑक्सीजन आइटम से कि सुनो ऑक्सीजन आइटम तुम्हारे पास तो पूरे छ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं छ में से एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तो मेरा डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट मैं हो जाऊंगा स्टेबल तो ऑक्सीजन आइटम बोलेगा बक बुड़बक बक मुझे पावर समझाए क्या भाई मेरे वैलेंस शेल में माना की छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से आठ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और मेरे पास तो खुद ही छह हैं मतलब कि मेरे पास तो खुद ही दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम को बोलेगा कि अरे सुनो पगलू माना कि मेरे मोस्ट शेल में छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन होने चाहिए आठ हैं केवल छह मतलब मेरे अंदर तो खुद ही दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और अगर छह में से तुमको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर तो मेरे पास आउटरमोस्ट में पांच इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे मतलब फिर मेरे अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो मुझे पागल समझा क्या मैं क्यों तुम्हें जो ना अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा मैं नहीं दूंगा बल्कि तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो ऑक्सीजन एटम बोलता है कि मैं तो नहीं दे सकता तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो एटलीस्ट मेरे आउटर मोस्ट शेल में फिर सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि अरे दद्दा ले देकर के मेरे पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी तुमको मैंने दे दिया तो मैं तो बिल्कुल ही लुट पिट जाऊंगा मैं नहीं दे सकता मतलब ये ऑक्सीजन एटम ना इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये हाइड्रोजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है अब ये हाइड्रोजन आइटम की भी वही कहानी है ये हाइड्रोजन आइटम बोलेगा ऑक्सीजन आइटम से कि ऑक्सीजन आइटम तुम्हारे पास तो छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं छह में से एक मुझे दे दो ना मेरा डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट तो वो बोलेगा बक बुड़बक माना कि छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से अगर तुमको मैंने एक दे दिया तो फिर मेरे पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे मतलब फिर मेरे अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी बक मैं नहीं दूंगा बल्कि तुम मुझे अपना दे दो एक इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट मेरे आउटर मोस्ट शेल में फिर सात इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अभी तो, तो, तो ले लेकर तो तो कहने का मतलब यह है कि ना ये ऑक्सीजन एटम इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन आटम को दे सकते हैं मतलब कोई भी एटम किसी दूसरे आटम को इलेक्ट्रॉन देने को रेडी नहीं है लेकिन अरे स्टेबिलिटी तो तीनों को चाहिए ना माना कि तीनों के तीनों एटम्स माना मैंने कि तीनों के तीनों ये एटम्स किसी भी अपने पड़ोसी एटम को इलेक्ट्रॉन देने को राजी नहीं है रेडी नहीं है लेकिन स्टेबिलिटी तो इन तीनों को चाहिए ना इन दोनों को भी अपने डुप्लेट कंप्लीट करने हैं और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है मतलब कि नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन तो इन तीनों को अक्वायर करना है पर कैसे करें मुसीबत है तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया क्या बीच का रास्ता भाई इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन तो यहां पर पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन तो यहां पे पॉसिबल नहीं वही तो मैं बोल रही हूं कि ये तीनों ही एटम्स किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है ही नहीं तो जब कोई देगा नहीं तो सामने वाले लेगा क्या तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन तो पॉसिबल है नहीं तो अब यहां पर वो किया जाता है जो <laughs> अधिकतर होता है क्या शेयरिंग जैसे मैं हूं और एक है आ, एक है मानवी ठीक है ना एक मैं हूँ और एक है मानवी मेरे पास किटकैट है और मानवी के पास डेरी मिल्क है मेरे पास किटकैट है और मानवी के पास डेरी मिल्क है लेकिन मैं और मानवी हम दोनों ही चटोरे हैं क्यों हमें अपनी अपनी चॉकलेट तो खानी है साथ ही साथ मेरी नियत मानवी की डेरी मिल्क पर है और मानवी की नियत मेरी किटकैट पर है मतलब हम तो हम तो गजब के चटोरे हैं कि हमें अपनी अपनी चॉकलेट तो खानी है और एक दूसरे की भी चॉकलेट पे नजर है हमारी तो हम क्या करेंगे शेयरिंग इज केयरिंग मैं अपनी आधी किटकैट शेयर करूंगी मानवी के साथ और मानवी अपनी आधी डेरी मिल्क शेयर करेगी मेरे साथ तो होगा क्या मैं अपनी किटकैट भी खा लूंगी और मानवी की डेरी मिल्क भी खा लूंगी मानवी के साथ भी क्या होगा कि वो अपनी डेरी मिल्क भी खा लेगी और मेरी किट कैट भी खा लेगी तो इसमें हम दोनों का ही फायदा है तो ये क्या हुआ बेटा ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई म्यूचुअल शेयरिंग हुई कि अगर मैंने अपनी किटकैट मानवी के साथ शेयर करी तो मानवी ने भी अपनी डेरी मिल्क मेरे साथ शेयर करिए ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मैंने अपनी किटकैट शेयर करी है मानवी ने अपनी डेरी मिल्क नहीं करी या मानवी ने डेरी मिल्क अपनी शेयर करी है और मैंने अपनी किटकैट शेयर नहीं करी नहीं।, नहीं ऐसा नहीं हुआ हम दोनों ने अपनी अपनी चॉकलेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करी आई रिपीट हम दोनों ने ही अपनी अपनी चॉकलेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करी इसका मतलब क्या कि हमारे बीच में चॉकलेट्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इतना समझ में आया तो फिर तुमको यह भी समझ में आ जाएगा अब जाहिर सी बात है चॉकलेट्स की यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं होगी लेकिन हाँ, म्यूचुअल शेयरिंग जरूर होगी लेकिन किसकी इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की कैसे ये ऑक्सीजन आइटम बोलेगा इस हाइड्रोजन ऐटम से कि सुनो हाइड्रोजन आइटम तुम एक काम करो तो मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो ये ऑक्सीजन ऐटम बोलेगा इस हाइड्रोजन एटम से कि सुनो हाइड्रोजन एटम तुम मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो तो हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि शेयर कर लो का क्या मतलब है तो ऑक्सीजन एटम बोलेगा कि भाई तुम्हें तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट करना है ना तुम्हें के शेल में एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के आना है ना तो तुम जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसे अपने केशल में डाल लो तो हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि अच्छा मतलब अब तुम मुझे राजी हो गए हो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो ऑक्सीजन एटम बोलेगा अरे नहीं बुड़बक मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से नहीं दे रहा हूँ ऑक्सीजन एटम बोलेगा इस हाइड्रोजन एटम से कि मैं तुम्हें अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हारे साथ अपना इलेक्ट्रॉन बस शेयर कर रहा हूं कि अगर तुम चाहते हो तो मेरे इस इलेक्ट्रॉन को अपने के शेल में रख सकते हो और के शेल में रखकर तुम अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हो तुम अपना नियरेस्ट वो नोबल गैस कंफिगरेशन जो है अक्वायर कर सकते हो तो हाइड्रोजन एटम बोलेगा क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब हुआ तो ऑक्सीजन आइटम बोलेगा बेटा इसका मतलब यह है कि तुम मेरे ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपने के शेल में रख सकते हो लेकिन जिस दिन मेरा मन करेगा मैं अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन तुमसे वापस लेकर के निकलता बनूंगा ऑक्सीजन आइटम बोलेगा कि इस हाइड्रोजन आइटम से कि तुम चाहो तुम, तुम मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने केश शेल में रख सकते हो लेकिन जिस दिन मेरा मन करेगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलता बनूंगा तुमको मैं पूरा इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा हूं बस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं और इससे तुम्हारा ही फायदा होगा ये ऑक्सीजन एटम बेटा ये ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम से बोलेगा कि बुड़बक तुम्हारा ही फायदा है कि तुम मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो तुम मेरे इस इलेक्ट्रॉन को अपने केश शेल में रख सकते हो और अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर सकते हो अब तुम नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन अक्वायर कर सकते हो तुम स्टेबल हो सकते हो लेकिन सिर्फ शेयरिंग हो रही है तुमको मैं डोनेट नहीं कर रहा हूं अपना इलेक्ट्रॉन जब मेरा मन करेगा तब मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाऊंगा तुमसे पूछूंगा नहीं तो हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि ठीक है ये भी ठीक है है ना हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि ठीक है ये भी ठीक है कि एटलीस्ट मेरा डुप्लेट तो कंप्लीट हो रहा है ना चाहे किसी भी तरीके से भले ही तो तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे नहीं रहे हो लेकिन एटलीस्ट शेयर तो कर रहे हो ठीक है जब तुम्हारा मन करेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर लेकिन तुम्हें क्या लगता है ऑक्सीजन इतना अच्छा है क्या जो बेवजह अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइटम के साथ में शेयर करेगा अब ऑक्सीजन आइटम बोलता है कि ए, सुनो अगर मैं तुम्हारे साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं तो तुम्हें भी अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करना होगा अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं बस मानवी को जो है किटकेट दे दूं वो भी तो मुझे डेरी मिल देगी तब तो मैं उसको अपनी किटकेट दूंगी वरना मैं दूंगी क्यों तो ऑक्सीजन बोलेगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं तो बदले में तुम्हें भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करना होगा तो हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि अरे तो मुझे समझ नहीं आया तो ऑक्सीजन एटम बोलेगा कि अरे यार जिस तरीके से मैंने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर किया तुम अपने तुम मेरे ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में रख सकते हो डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हो स्टेबल हो सकते हो उसी तरीके से तुम भी जो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन है मेरे साथ शेयर करो मैं भी क्या करूंगा तुम्हारे ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपने मोस्ट शेल में रखूंगा और डुप्लेट कंप्लीट करने, करने की कोशिश करूंगा तो फिर हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि अच्छा तो फिर मैं भी तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से नहीं दूंगा हाइड्रोजन एटम बोलेगा कि तुमने मुझे अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया

अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन एटम के साथ और बदले में हाइड्रोजन एटम मतलब ऑक्सीजन एटम ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन एटम के साथ और बदले में क्या होता है हाइड्रोजन एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्सीजन एटम के साथ ऑक्सीजन एटम ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करा है ऑक्सीजन एटम ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करा है हाइड्रोजन एटम के साथ और हाइड्रोजन एटम ने अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन शेयर करा है ऑक्सीजन एटम के साथ तो ये बेटा यहां पे क्या हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग हुई है दो इलेक्ट्रॉन्स की इससे हुआ क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से ही था और एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का भी यहां पे फायदा हुआ है क्यों उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन अब सात हो जाएंगे क्यों उसके पास पहले से थे और एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल गया है हाइड्रोजन का आई बात समझ में यहां पर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है और जब इलेक्ट्रॉन्स की बेटा म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो यहां भी बन जाता है क्या एक बॉन्ड जब भी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो बन जाता है बॉन्ड कौन सा कोवेलेंट आयनिक आयनिक नहीं बनेगा आयनिक तो अरे बेटा आयनिक बॉन्ड्स तो आयंस के बीच में बनते हैं यहां कौन से आयंस बने आयंस कब बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स कब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट लेन देन होता है तब आय बनते हैं और आय के बीच में तब आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं यहां पर थोड़ी ना कोई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट लेन देन हो रहा है यहां पर तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है यहां पर कोई आय नहीं बनेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई बेटा उसी से बन जाएगा क्या एक बॉन्ड और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या बोलेंगे बच्चों कोवलेंट बॉन्ड ठीक है अब यहाँ देखो जो बेटा यहां हुआ है वही चीज यहां पे भी होगी मतलब कि ऑक्सीजन का जो ये वाला एटम है अपना ये करेगा वो हाइड्रोजन एटम के साथन वाला इलेक्ट्रॉन है शेयर करेगा ऑक्सीजन एटम के साथ आई बात समझ में हाइड्रोजन एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन एटम के, आ… के साथ और ऑक्सीजन एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ कुछ इस तरीके से तो यहां भी क्या हुआ ऑक्सीजन आट... देखो हाइड्रोजन एटम के पास बेटा हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो उसका पहले से था एक और इलेक्ट्रॉन उसे मिल गया ऑक्सीजन एटम का तो इसका डुप्लेट हो गया कंप्लीट ये हो गया स्टेबल और इस ऑक्सीजन एटम को भी देखो अब ये भी हो गया स्टेबल क्यों इसके आउटरमोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन्स थे एक इलेक्ट्रॉन इसने ये वाले हाइड्रोजन का शेयर किया था वो तो उसके बाद में इसके मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे अब इस ऑक्सीजन एटम ने ये वाले हाइड्रोजन आइटम का भी तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना तो अब इसके वैलेंस शेल में पूरे आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मतलब कि इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट दोनों हाइड्रोजन आइटम्स का डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट और इस ऑक्सीजन आइटम का ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट मतलब कि सब हो जाएंगे स्टेबल सब जो है नियरेस्ट नोबल गैस फिगरेशन जो है अक्वायर कर लेंगे अब देखो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है ये ऑक्सीजन आइटम और ये हाइड्रोजन आइटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई और जहां इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है क्या बन जाता है बेटा बॉन्ड बन जाता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड तो ये भी बन गया क्या ये भी बन गया क्या एक और कोवलेंट बॉन्ड तो बेटा यहाँ पर दो कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं दो कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं कुछ इस तरीके से दो कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं एक ये वाला एक ये वाला कैसे बने हैं इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से यहां पर आ जाते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से और यहां भी ठीक है अब देखो हुआ क्या अब ये जो ऑक्सीजन है ना इसकी नियत डोल जाती है बेटा अच्छा खासा देखो एक मॉलिक्यूल बन गया है वाटर मॉलिक्यूल ना बन गया देखो ना ऐसे ही बनता है वाटर मॉलिक्यूल मैं तुमको यही तो बता रही थी कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है ऐसे बनता है वाटर मॉलिक्यूल बनता है बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग से देखो दो कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है अब सुनो हुआ क्या ये जो ऑक्सीजन एटम है ना इसकी नियत डोल जाती है कैसे ऑक्सीजन एटम सोचता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना इनको मैं अपनी तरफ खींचूं कहने को तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की लेकिन ये जो ऑक्सीजन एटम है नलायक इसकी नीयत डोल जाती है यह सोचता है कि मैं इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लूं और एग्जैक्टली यही करता है इतना नालायक होता है यह ऑक्सीजन एटम कि कहने को तो इसने म्यूचुअल शेयरिंग करी है इलेक्ट्रॉन्स की दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ लेकिन अब इसकी नियत खराब हो गई अब यह क्या कर रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और बेटा तुमको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इतना तो पता ना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचूंगी तो मेरे ऊपर भी तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा मुझे पता है कि एक इंसान बहुत नेगेटिव है फिर भी उस नेगेटिव इंसान को मैं अपने तरफ लेकर के आ रही हूं तो मेरे अंदर भी तो नेगेटिविटी आ जाएगी ना तो यहां पर भी यही हो रहा है कि ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और कोशिश में वो सक्सेसफुल भी होता है मतलब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना ये ऑक्सीजन की तरफ जाने लगते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव पोल डेवलप हो जाता है बेटा अरे यार वही वाली बात है ना कि मुझे पता है कि सामने वाला इंसान कैसा नेगेटिव है लेकिन फिर भी मैं उसको बोल रही हूं कि आ भाई तू मेरा दोस्त बन जा तो उसकी नेगेटिविटी के कारण मैं भी तो नेगेटिव हो जाऊंगी ना तो यहां पर यही हो रहा है कि ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आ, अपनी तरफ पूरी खींचने की कोशिश कर रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है ऑक्सीजन जिसके कारण जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव पोल डेवलप हो जाएगा क्यों अरे यार ऑक्सीजन खींच किसको रहा है ऑक्सीजन किसको अपने पास लेकर के आ रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ लेकर के आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना इसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव पोल डेवलप हो जाएगा वहीं जो ये जो दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ना इनके ऊपर पॉजिटिव पोल्स डेवलप हो जाएंगे ऐसा क्यों मेरी एक फ्रेंड है उसका एक नेगेटिव मतलब उसका एक दोस्त है जो बहुत नेगेटिव है तो उस नेगेटिव दोस्त के कारण मेरी फ्रेंड भी कैसी हो गई नेगेटिव हो गई लेकिन अब मैं उस नेगेटिव दोस्त को अपने पास लेकर के आ रही हूं तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगी लेकिन मेरी दोस्त पॉजिटिव हो जाएगी ना क्यों क्योंकि उससे उसका नेगेटिव दोस्त छूट रहा है तो उसकी नेगेटिविटी कम होगी नेगेटिविटी कम मतलब क्या पॉजिटिव एटीट्यूड उसका बढ़ जाएगा ना तो यहां भी हो रहा है कि जो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं इनसे दूर जा रहे हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो इनके ऊपर पॉजिटिव पोल्स डेवलप हो जाएंगे यह कहानी है एक वाटर मॉलिक्यूल की और जो कहानी एक वाटर मॉलिक्यूल की होती है बेटा वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की होती है और इसीलिए हम पानी को क्या बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर क्यों क्योंकि पानी होता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है बेटा एक पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है जो पोलर है पोलर क्यों है पोलर क्यों है क्योंकि देखो ना पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पोज डेवलप हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं यहां पर तुम्हारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और इस एक वाटर मॉलिक्यूल में तुम्हें दो पोल्स नजर आ रहे हैं ना एक नेगेटिव पोल और दो पॉजिटिव पोल्स अब तुम ऐसे और वाटर मॉलिक्यूल्स लेकर के आ जाओ सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में तुमको एक नेगेटिव पोल मिलेगा और दो पॉजिटिव पोल्स मिलेंगे तो क्योंकि पोल्स डेवलप हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में इसीलिए पानी को हम क्या बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स पर पोल्स डेवलप हो जाते हैं बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स पर पोल्स डेवलप हो जाते हैं इसीलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं आई बात समझ में अब तुम लोग सोचोगे कि मैम ये सब आपने पढ़ाया क्यों इसका कुछ है भी मतलब भी है कि बस एम ही पढ़ा दिया ना बेटा एम ही नहीं पढ़ाया अभी तुम्हें इसका रोल समझ में आएगा सुनो यहाँ पे वापस आते हैं ये देखो जैसा कि तुम्हें मैंने बताया था कि एक बीकर है बीकर में हमने पानी लिया हुआ है पानी किसका बना होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का बना होगा और अब तो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ ना कि जब तुम एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हो तो उस वाटर मॉलिक्यूल में तुमको एक नेगेटिव पोल मिलता है और दो पॉजिटिव पोल्स मिलते हैं पढ़ चुके ना अरे बताया तो है तो ये पूरा बीकर है बीकर में पानी है पानी किसका बना होता है मॉलिक्यूल्स का बना होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का बना होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स में आ, पोल्स होते हैं नेगेटिव पोल्स एंड पॉजिटिव पोल्स ठीक है तो मैं यहां पर भी बना देती हूँ नेगेटिव पोल नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल्स ठीक है अब मैं काम करती हूं यहाँ पर मैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाई लेती हूँ ठीक है यहाँ पर मैं कुछ वाटर मोलिक्यूल्स बनाई लेती हूँ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी थोड़े ही बनाऊँगी ओके कुछ इस तरीके से एक यहाँ भी बना लेती हूँ मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन बना मैं अभी केवल तीन ही रही हूँ ठीक है ना अब क्या हुआ कि इसी पानी में मैंने डाल दिया एनए इसी पानी में मैंने डाल दिया एन तो ये लो आ, ये कलर दिख रहा है क्या ये कलर दिख रहा है क्या या ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा क्या ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा ठीक है ये लो जी मैंने डाल दिया एनए ठीक है बच्चों मैंने डाल दिया NACL थोड़ा सा और डाल देते हैं कहाँ डालूं नीचे डालती हूं या चलो अभी हम एक ही की बात करते हैं ठीक ना ये मैंने डाल दिया क्या NACL अब होगा क्या बेटा ये NACL बना कैसे है ये NACL बना कैसे है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन से अरे यार ये NaCl कैसे बना है? सोडियम आयन से बना है और क्लोराइड आयन से बना है। सोडियम आयन से बना है और क्लोराइड आयन से बना है। ये लो, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है तुमको मैंने क्या बताया है ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं और लाइक like चार्जेस या सेम चार्जेस क्या करते हैं रिपल करते हैं समझाए ना ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं लाइक like या सेम चार्जेस रिपल करते हैं अब देखो होगा क्या ये जो यहाँ पर दो आयन्स बने ना सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन दोनों ही आयन्स को ये वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे पानी में मैंने एनएसएल डाल दिया है NaCl कैसे बनाए दो आयन इसे बनाए एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन अब क्या होगा इन दोनों ही आयन्स को वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे दोनों आयन्स को बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से घेरेंगे क्यों देखो ये सोडियम आयन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल सपोज जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल आएगा इसे घेरने के लिए लेकिन कैसे घेरेगा ऑक्सीजन के ऊपर जो तुम्हें नेगेटिव पोल नजर आ रहा है तो बेटा ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव पोल है वो सोडियम आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा क्यों नेगेटिव पोल और सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो बेटा ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो दोनों ही आयंस को घेरेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी इस सोडियम आयन की तो इस सोडियम आयन को घेरने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे लेकिन किस तरफ से आएंगे ऑक्सीजन की तरफ से आएंगे क्यों क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल है और वो नेगेटिव पोल इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो कैसे घेरेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स इस सोडियम आयन को देख लो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन की तरफ से ये देखो ऑक्सीजन की तरफ से रीजन वही है क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल है और सोडियम के ऊपर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो नो डाउट वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे आ, इस सोडियम आयन को घेरने के लिए लेकिन कैसे आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की तरफ से क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल है जो कि अट्रैक्ट करेगा सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को तो देखो ऐसे आकर के ये घेरने लग जाएंगे ऐसे आकर के ये घेरने लग जाएंगे अभी जो क्लोराइड आयन है इसको भी घेरा जाएगा कौन घेरेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल्स ही घेरेंगे लेकिन कैसे हाइड्रोजन एटम्स की तरफ से क्यों क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर क्या है बच्चों पॉजिटिव पोल है और क्लोराइड आयन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो नो डाउट क्लोराइड आयंस को भी वाटर मॉलिक्यूल्स घेरने के लिए आएंगे लेकिन अलग तरीके से हाइड्रोजन एटम्स के तरफ से क्लोराइड आयन को घेरा जाएगा लाइक like दिस दूसरे कलर से मैं बना रही हूं ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ ये देखो ऐसे आएंगे अरे रुको ऐसे ठीक है आ तो रहे घेरने के लिए लेकिन हाइड्रोजन आइटम्स की तरफ से ठीक है हाइड्रोजन आइटम्स की तरफ से समझ में आ रहा है ना कि सोडियम आयन को घेरने आए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन आइटम की तरफ से और क्लोराइड आयन को घेरने आए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आइटम्स की तरफ से क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल है तो वो अट्रैक्ट होता है सोडियम आयन के पॉजिटिव चार्ज से और हाइड्रोजन एटम्स पर पॉजिटिव पोल है तो वो अट्रैक्ट होता है क्लोराइड आयन के नेगेटिव चार्ज से अल्टीमेटली क्या होगा सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे क्लोराइड आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे अल्टीमेटली क्या होगा देख लो अल्टीमेटली क्या होगा जो आ, सोडियम आयन है और जो क्लोराइड आयन है ये दोनों आयन्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे बच्चों क्या होगा सोडियम आयन्स मतलब सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे अरे सोडियम आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया क्लोराइड आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया अल्टीमेटली क्या होगा दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे देखो ये आयन अलग हो गया और ये आयन अलग हो जाएगा ये आयन अलग हो जाएगा ये देखो घेरा दोनों को किसने है वाटर मॉलिक्यूल्स ने है ना दोनों को घेरा किसने है वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है दोनों को सोडियम एंड क्लोराइड आयंस दोनों को वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं घेरा है और घेर घेर के देखो क्या कर दिया दोनों आयंस को अलग अलग कर दिया अब आप बोलोगे कि मैम दोनों आयंस अलग हो तो गए हैं लेकिन हुआ क्या अरे नमक घुल गया पानी में मैं तुमको ये बताना चाह रही थी कि आखिर नमक पानी में घुलता कैसे है NaCl पानी में घुलता कैसे है मैं तुम्हें यह समझाना चाह रही थी कि आखिर NaCl पानी में सोलेबल क्यों है समझ में आया सॉल्युबल क्यों है क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी खुद में ही क्या है एक पोलर सॉल्वेंट है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्यों मॉलिक्यूल्स पर पोल्स डेवलप हो जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल हाइड्रोजन के ऊपर क्या बोला मैंने और, आ, पानी जो है वो खुद ही एक पोलर सॉल्वेंट है पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के ऊपर दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव पोल तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर पोल्स डेवलप हो जाते हैं इसीलिए पानी के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और इसीलिए पानी को हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट आई बात समझ में तो आ, यहां पर आपको दिखा कि जैसे ही नमक आया NaCl आया NaCl किसका बना होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का तो इन दोनों ही आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते बेटा जैसे ही पानी में NaCl आया तो एनए किसका बना है सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स का बना है तो सोडियम आयन को घेर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और क्लोराइड आयन को भी घेर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों ही आयन्स को पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे सोडियम आयन को भी घेरेंगे और क्लोराइड आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से सोडियम आयन को घेरने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे लेकिन ऑक्सीजन की तरफ से क्यों क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव पोल जो अट्रैक्ट करता है सोडियम आयन के ऊपर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को क्लोराइड आयन को भी घेरने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे लेकिन हाइड्रोजन एटम्स की तरफ से क्यों क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर होता है पॉजिटिव पोल जो अट्रैक्ट करता है क्लोराइड आयन के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को तो होगा क्या अल्टीमेटली दोनों ही आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स से घिर जाएंगे और जहां ये घिरे सोडियम एंड क्लोराइड आयंस एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और जहां ये अलग हुए समझ जाओ कि नमक जो है पानी में डिजोल्व हो गया नमक पानी में सोल्यूबल है सोल्यूबलाइज हो गया ऐसे ही आप कुछ और भी एनएसीएल लेकर के आ जाओ और भी एनएसीएल लेकर के आ जाओ उनका भी यही हाल होने वाला है सारे सोडियम आयन्स को वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे सारे क्लोराइड आयन्स को वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे घेर घेर करके अलग कर देंगे सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को और जहाँ वो अलग हुए समझ जाओ कि नमक पानी में सॉलेबल है नमक पानी में जाकर के घुल गया लेकिन जैसा कि तुमको मैंने बताया था कि ये तेल है और तेल में हमने नमक डाला लेकिन नमक तेल में डिजोल्व नहीं हुआ क्यों क्योंकि बेटा जो ऑयल है ना वो पोलर सॉल्वेंट नहीं है मतलब ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स पर कोई पोल्स डेवलप नहीं होते हैं और अगर कोई पोल्स डेवलप होंगे ही नहीं तो वो मॉलिक्यूल्स सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को घेरेंगे भी नहीं और अगर घेरेंगे नहीं तो एन एस कैसे होगा बेटा एनए सी यहाँ पर डिजोल्व कैसे हो पाया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स थे जो आकर के सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को घेर रहे थे और घेरा भी क्यों मान लो अगर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते मान लो कि वाटर मोलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स ना होते कोई नेगेटिव पोल ना होता कोई पॉजिटिव पोल ना होता और तुम इसी पानी में एनएसियल डाल देते तो तुम्हें क्या लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स आ करके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को घेरते क्या बिल्कुल भी नहीं घेरते क्यों क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हम मान के चल रहे हैं कि उनके ऊपर कोई पोल्स डेवलप हुए ही नहीं है कोई नेगेटिव पोल नहीं है कोई पॉजिटिव पोल नहीं है तो फर्ज करो अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल ना होता तो ऑक्सीजन क्यों अट्रैक्ट होकर के सोडियम आयन के पास आता या अगर हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव पोल नहीं होता तो क्यों हाइड्रोजन ऐटम्स क्लोराइड आयन के पास आते अट्रैक्ट होकर के पूरा खेल किसका है बेटा इन पोल्स का ही तो है नेगेटिव इन पॉजिटिव पोल्स का ही तो है क्योंकि ऑक्सीजन ऐटम के ऊपर नेगेटिव पोल डेवलप होता है इसीलिए वो अट्रैक्ट होकर के सोडियम आयन के पास आता है उसके पॉजिटिव चार्ज के पास आता है अट्रैक्ट होकर क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पोल डेवलप होता है सॉरी क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप होता है इसीलिए हाइड्रोजन एटम्स आते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप होता है इसीलिए हाइड्रोजन एटम्स आते हैं क्लोराइड आयन के पास उसके नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर के अगर पोल्स होते ही ना तो कोई अट्रैक्शन नहीं होता वाटर मॉलिक्यूल्स कभी भी आकर के सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को घेरते नहीं और अगर ये घेरते नहीं तो ये दोनों आयन्स अलग ना होते और अगर ये दोनों आयन्स अलग ना होते तो नमक डिजॉल्व क्यों होता तो ऑयल जो है बेटा उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स में कोई पोल्स नहीं होते ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव पोल अब मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई पोल्स ही नहीं है बेटा मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब कोई पोल्स ही डेवलप नहीं होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स किस खुशी में जाकर के सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को घेरेंगे नहीं घेरेंगे ना घेरेंगे ना वो अलग होंगे ना नमक जो है ऑयल में डिजोल्व होगा तो सीधी सी बात है बेटा ऑयल जो है एक नॉन सॉल्वेंट है क्योंकि नम ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं ऑयल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव पोल्स डेवलप नहीं होते हैं अब क्योंकि ऑयल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव पोल्स डेवलप नहीं होते हैं तो वो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनिस सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को जाकर के नहीं घेरते हैं ना घेरते हैं ना ही सोडियम एंड क्लोराइड आयन सेपरेट होते हैं और जब वो सेपरेट ही नहीं होंगे तो फिर वो घुलेंगे कैसे यार समझ में आ गया तो हाँ कोई भी ऑयल हो कोई भी ऑयल हो है ना केरोसिन ना सिर्फ ऑयल बेटा क्लोरोफॉर्म ईथर एल्कोहल बैनजीन ये सारे क्या हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं मतलब ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स डेवलप नहीं होते हैं वो तुमने सुना होगा लाइक डिजॉल्व लाइक जो जैसा होता है वो उसी में जाकर के घुलता है तो आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा ही होता है आयनिक कंपाउंड्स बेटा खुद कैसे होते हैं पोलर ही तो होते हैं अरे आयनिक कंपाउंड्स भी तो पोलर हुए ना क्यों को देखो ना किसका बना है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का ये पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव पोल तो ये खुद क्या है पोलर है तो पोलर सॉल्यूट जाकर के पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है पोलर सोल्यूट जा करके के पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है लाइक डिजोल्व लाइक तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉलेबल होते हैं जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल ईथरबैजीन ऑयल इन सब में जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सोलबल नहीं होते हैं तो मेरी बात मतलब मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो तो मेरी मेहनत सफल रही थोड़ा सा हमने टाइम दिया इस चीज़ को समझने के लिए क्योंकि अगर तुम लोग ये समझ जाते हो तो फिर तुम लोगों के लिए ये बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी बन जाती है और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर ये तुम्हें डिफ़िकल्ट लगती है आ गया समझ में और जिसको नहीं आया है ठीक है वो फिर से देखना सेशन को थोड़ा सा ऐसे रिवाइंड करके आ जाएगा समझ में बहुत ही आराम आराम से समझाया मैंने ठीक है चलो सो दे आर सोल्यूबल इन वॉटर विच इज पोलर सॉल्वेंट बट इन होते हैं ये कौन आयनिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एल्कोहल ईथर क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा लेबोरेटरी टेस्ट यहाँ पे क्या करने को बोल रहे हैं शेक द सैंपल्स ऑफ द सॉल्ट टेकन अबव टेकन अबव मतलब वो कौन से वही एन और बेरियम क्लोराइड वगैरह और उन सबको आप शेक करो किसके साथ पानी के साथ एल्कोहल के साथ पेट्रोल कैरोसिन ऑयल के साथ चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब में वी फाइंड दैट सॉल्स जो है सोलबल हैं केवल वाटर में लेकिन वो घुले नहीं हैं पेट्रोल या कैरोसिन ऑयल या एल्कोहल में इन सब में से नहीं केवल पानी में ही वो सॉल्ट क्या हुए हैं सोलबल हुए हैं ठीक है, है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा ये वही वाला डायग्राम है जो मैंने तुम्हें ड्रॉ करके बताया है। ये एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम है मैंने तो ना मतलब बस समझाने के लिए बता दिया था ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है है ना नेगेटिव पोल आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव पोल्स आपको दिख रहे होंगे वाटर मॉलिक्यूल पर एनएसएल क्रिस्टल है जो बना होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का ठीक है जैसे आप इनको पानी में डालते हो आप देख सकते हो क्लोराइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है सोडियम आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है लेकिन घेरने का तरीका अलग अलग है वाटर मॉलिक्यूल्स ने सोडियम uh, आयन को घेरा है ऑक्सीजन आटम की तरफ से और क्लोराइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा है हाइड्रोजन आइटम्स की तरफ से ठीक है तो ये हो जाएगा हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन ये हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम आयन हाइड्रेटेड वर्ड क्यों लगा रहे हैं आयनस के पहले क्योंकि आयन को घेर लिया है वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसीलिए हाइड्रेटेड सोडियम आयन हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन ओके okay? चलो नेक्स्ट अब क्या रिमेंबर करने के लिए बोला जा रहा है द सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स इन वाटर इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना आयनिक सॉलिड्स जो हैं जो हमारे कंपाउंड हैं वो पानी में सोलबल uh, क्यों है ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स द वॉटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन्स को ऑफ द आयनिक सॉलिड एंड कट ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दम भाई आयन्स के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेज लगते हैं ना तो उन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेज को वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं तोड़ देते हैं एज अ रिजल्ट आयन्स जो होते हैं वो सराउंड हो जाते हैं बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स और फिर उन आयन्स को हम क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन्स है ना हाइड्रेटेड सोडियम आयन हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन को जिस तरीके से चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो कि है मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट्स तो देखो वैसा है कि दे दे मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स हैल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट्स दिस इज बिकॉज इन द आयनिक कंपाउंड्स जो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं दे आर हेल्ड टूगेदर बाय स्ट्रोंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन हैंस दे रिक्वायर अ लॉड ऑफ हीट टू कट ऑफ दिज फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन एंड ब्रेक दैम इन टू आयन सीधी सी बात है आयनिक कंपाउंड में जो आयन्स होते हैं जो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक उन ऑपोजिटली चार्ज आयस के बीच में ओपोजिटली चार्ज आय के बीच में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए मतलब आय ओपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उनको तोड़ने के लिए उनको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा जो है आप बोल सकते हो कि आ, क्या करना पड़ता है हीट लगानी पड़ती है अरे यार आयनिक कंपाउंड में ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के हाई होते हैं देखो बेटा ऐसा है तुमको मैंने वो समझाया था ना कि ये एक सॉलिड है अरे देखो ये एक सॉलिड है अब तुम चाहते हो कि ये मेल्ट हो जाए ये एक सॉलिड है तुम चाहते हो कि ये मेल्ट हो जाए तो तुम क्या करोगे इसको हीट दोगे ये सॉलिड है तुम चाहते हो कि ये मेल्ट हो जाए तो तुम क्या करोगे इसको हीट दोगे इसको तुम गर्म करोगे हीट सप्लाई करोगे बेटा हीट सप्लाई करने से होगा क्या कि इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो हीट को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और जहां सॉलिड के पार्टिकल्स ने हीट को अब्ज़ॉर्ब किया सॉलिड के जो आ, पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जहां पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी पार्टिकल्स जो होंगे वो अब एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे भाई ये तो सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं इसीलिए पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं एक दूसरे से लेकिन हुआ क्या हमने इस सॉलिड को हीट किया हीट पार्टिकल्स ने अब्जॉर्ब कर ली जिसके कारण पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और जहाँ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी पार्टिकल्स अब एक दूसरे से आ, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे पार्टिकल्स एक दूसरे से आ, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे और जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे पता है क्या होगा उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं ना वो भी थोड़े से कमजोर हो जाएंगे जैसे तुम्हें और तुम्हारे बीस दोस्तों को मैंने एक रस्सी से बांध दिया था है ना और बहुत टाइटली बांधा था इतने टाइटली बांधा था कि तुम और तुम्हारे बीस दोस्त एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पा रहे थे लेकिन हुआ क्या मैंने तुम्हारे उस ग्रुप में एक सांप छोड़ दिया मैंने तुम्हारे उस ग्रुप में एक सांप छोड़ दिया तो तुम और तुम्हारे दोस्त अब डर जाओगे कि बापरे सांप कहीं जो है ना डस ना ले तो फिर तुम और तुम्हारे दोस्तों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जहाँ तुम लोगों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तुम लोग एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करोगे एक वहाँ भागने की कोशिश करेगा एक वहाँ एक तो तुम लोग ना भागने की कोशिश करोगे और जहाँ तुम और तुम्हारे बीस दोस्त अलग अलग डायरेक्शंस में भागने की कोशिश करोगे तुम लोगों के अराउंड जो रस्सी बंदी होगी वो अपने आप ढीली पड़ जाएगी समझ में। तो यहां पर भी यही होने वाला है कि पार्टिकल्स को जैसे ही तुमने मतलब तुमने जैसे ही सॉलिड को हीट दी गर्म किया पार्टिकल्स हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को अब्जॉर्ब करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जहां पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी पार्टिकल्स एक दूसरे से अब दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं और जहां वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होते हैं वो भी थोड़े से कमजोर हो जाते हैं पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होते हैं बच्चों वो कमजोर हो जाते हैं और जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े भी कम हुए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं ऐसा नहीं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही कम हो जाएंगे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाएंगे ऐसा नहीं होता लेकिन हाँ, काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है बढ़ने से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्सेज थोड़े से कम हो जाते हैं और जहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेज थोड़े से कम हुए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत ही दूर दूर होंगे है ना थोड़े बहुत ही दूर दूर होंगे कुछ इस तरीके से अरे कुछ इस तरीके से मतलब अरे बेटा फाइनली ये लिक्विड बन जाता है तुम ये तुम इसको हीट कर क्यों रहे थे सॉलिड को ताकि ये मेल्ट हो जाए ये लिक्विड बन जाए तो जहां पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े भी वीक हुए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं बहुत नहीं लेकिन थोड़ा तो दूर दूर हो ही जाते हैं उनके बीच में स्पेसिस डेवलप हो जाती हैं और फाइनली वो बन जाता है क्या एक लिक्विड तो बेटा ये लिक्विड बन गया ना पार्टिकल्स के बीच में तुम्हें जगह दिखने लग गई इंटर पार्टिकल स्पेसिस तुम्हें दिखाई देने लग गई पार्टिकल्स यहाँ पर एक दूसरे से दूर दूर हो गए बहुत दूर नहीं लेकिन हाँ थोड़े तो दूर हो ही गए हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज यहाँ पे थोड़े से वीक हो गए तो ये क्या हुआ बेटा सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट ना हो गया आई बात समझ में अब तुम्हारे पास एक आयनिक कंपाउंड है तुम्हारे पास एक आयनिक कंपाउंड है जिसको तुम ऐसे ही मेल्ट करवाना चाहते हो तो पता है क्या होगा तुम उसको हीट दोगे तुम आयनिक कंपाउंड को हीट दोगे हीट से क्या होगा कि आ, अब आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे आयन्स होंगे आयनिक कंपाउंड को तुम बिल्कुल इसी तरीके से मेल्ट करवाना चाहते हो तो तुमने आयनिक कंपाउंड को हीट दी हीट से क्या हुआ आयनिक कंपाउंड के जो आयंस थे उनने हीट अब्जॉर्ब करी अब्जॉर्ब करी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी गई लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि फिर वो आयन्स एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करें अब तुमने और गर्म किया आयनिक कंपाउंड को मतलब तुमने और हीट दी वो हीट भी क्या हुआ आयनिक कंपाउंड के आयंस ने करी कर ली लेकिन फिर भी उनकी कनेटिक एनर्जी इतनी नहीं बढ़ी कि आयंस एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करें अब तुम हीट देते जा रहे हो देते देते जा जा रहे हो तुम गर्म करते ही जा रहे हो आयनिक कंपाउंड को अल्टीमेटली क्या होगा जब तुम ढेर सारी हीट दे दोगे आयनिक कंपाउंड को तब जाकर के आयंस उस हीट को ऑब्जॉर्ब करेंगे उस ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब करेंगे और तब जाकर के तब जाकर के बेटा जब आयनिक कंपाउंड के आयंस ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे तब जाकर के आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और तब जाकर के आयंस एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे और जब आयंस एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तब जाकर के आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं तब जाकर के वो थोड़े से वीक होंगे और जहां वो वीक हुए आयंस एक दूसरे से दूर दूर जा पाएंगे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इसका मतलब क्या अब वो जो आयनिक कंपाउंड है वो मेल्ट हो जाएगा आई बात समझ में ऐसे ही बॉइलिंग का भी होता है बॉइलिंग का भी होता है कि आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है ठीक है जिसको आप बॉइल करवाना चाहते हो तो बेटा उसके लिए भी तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाकर के आयनिक कंपाउंड्स के जो उस आयनिक कंपाउंड के जो आयन होंगे वो उस हीट को ऑब्जॉर्ब करेंगे तब जाकर के उनकी कनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और तब जाकर के आयन्स एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे और तब जाकर के उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो थोड़े से कमजोर होंगे वो टूटेंगे और तब जाकर के फिर आयंस क्या होंगे एकदम एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे समझे तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई ही होते हैं कि यदि आप किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करवाना चाहते हो या आयनिक कंपाउंड को आप बॉइल करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी जब आप ज्यादा हीट दोगे तब ही उस आयनिक कंपाउंड के ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होंगे वो टूटेंगे बेटा रस्सी को अगर तुम्हें और तुम्हारे बीस दोस्तों को फ्री होना है आजाद होना तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा जो तुम्हारे अराउंड रस्सी बंधी है उस रस्सी को तुम्हें तोड़ना होगा अगर तुम रस्सी को तोड़ोगे नहीं तो तुम लोग आजाद कैसे हो गे? तो वैसे ही अगर एक मेल्ट करवाना है, है तो तुम्हें तोड़ना होगा और तोड़ तभी तुम पाओगे जब तुम ज्यादा हीट दोगे तो कुल मिलाकर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के हाई होते हैं so they have high melting and boiling points this is because in the ionic compounds the oppositely charged ions are held together by strong electrostatic attractive forces hence they require a lot of heat to cut off these forces of attraction and break them into ions okay Haan, bas ye ho gaya aage देखो अब यहाँ पर कुछ आयनिक कंपounds के melting and boiling points दिए हुए हैं कैल्विन में ठीक है ना लीथियम क्लोराइड का आप देख सकते हो melting point है 878 कैल्विन बॉयलिंग पॉइंट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी कैलविन से ज़्यादा है एन एस सी एल का मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा है ना बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा इससे कम है लेकिन लीथियम क्लोराइड से ज़्यादा है लेकिन हाँ बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है लीथियम क्लोराइड से लेकिन एन एस सी एल से कम है मैगनीशियम क्लोराइड का देखो कित मतलब जितने भी यहाँ पर आपके सामने आ, वो लिखे हुए हैं आयन ए लिखे हुए हैं उनके ज़रा आप मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट्स देखो सबके ज्यादा है कैल्शियम ऑक्साइड को देखो जरा भैया मेल्टिंग पॉइंट उसका 2,845 है। जब आप इतने टेम्परेचर पर लेकर के जाते हो कैल्शियम ऑक्साइड को तब जाकर के वो मेल्ट होता है। जब आप 3,123 केल्विन टेम्परेचर पे लेकर आते हो कैल्शियम ऑक्साइड को तब जाकर के ये बॉइल होता है समझे चलो कलर ऑफ फ्लेम ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की देखो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट वेन ब्रॉट इन टू द फ्लेम इम्पार्ट कैरेक्टिस्टिक कलर्स टू द फ्लेम अधिकतर बहुत सारे ऐसे मतलब नमक होते हैं सॉल्ट होते हैं मतलब वही आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब आप उनको फ्लेम के पास लेकर के जाते हो तो वो फ्लेम को कैरेक्टिस्टिक कलर्स इम्पार्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप क्या करो सोडियम क्लोराइड सो सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेकर के आओ एक मेटल्स स्पैचुला में और उसको ब्लू फ्लेम जो है बंसर बर्नर uh, की उसके पास लेकर के आओ मतलब ये बर्नर है उसकी जो फ्लेम है ब्लू फ्लेम है उसके पास तुम एक मेटल के स्पैचुला में सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेकर के आओ वी सी दैट गोल्डन येलो कलर टू द फ्लेम हम देखेंगे कि फ्लेम का जो कलर है वो चेंज हो गया है गोल्डन येलो हो गया है कहने को तो बर्नर की जो फ्लेम थी वो ब्लू कलर की थी लेकिन जैसे ही आप उसके पास सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेकर के आए उसकी फ्लेम जो है वो गोल्डन येलो कलर की हो गई ठीक है ना सिमिलरली पोटेशियम सॉल्स जो होते हैं वो फ्लेम को वॉयलेट कलर देते हैं और बेरियम सॉल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर देते हैं फ्लेम को ये देखो बड़ा अच्छा यहाँ पे एक पिक्चर है देखो गया अपना सोडियम क्लोराइड हाई ये देखो येलो फ्लेम हो गई मतलब येलो गोल्डन कलर की हो गई फ्लेम और लिथियम के लिए बोला था ना यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ये देखो पोटेशियम सॉल्ट जो थे बच्चों वो फ्लेम को बहुत ही प्यारा सा वॉयलेट कलर देते हैं ठीक है आगे बढ़े इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या आयंस चाहिए होते हैं अब यहाँ पर हम फिज़िक्स की बात तो कर नहीं रहे कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आ जाएं। जाहिर सी बात है यहाँ पर हम आयंस की ही बात करेंगे है ना अब आप बोलोगे कि मैम आयनिक कंपाउंड में तो आयंस होते हैं तो कहने को तो चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे कोई भी स्टेट हो आयनिक कंपाउंड को जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी चाहिए क्यों क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयन्स होते हैं वो तो बने ही होते हैं आयन्स के तो चाहे कोई भी स्टेट हो आयनिक कंपाउंड को एक आयनिक कंपाउंड को हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है क्यों सॉलिड स्टेट में मैंने आपको अभी भी पढ़ाया कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्यों माना कि आयनिक कंपाउंड में आयंस हैं लेकिन बेटा जब वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है तो उस समय क्या होता है सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड के अंदर जो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं वो आयन्स स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस से बंधे होते हैं जैसे तुम और तुम्हारे बीस दोस्त जिनको मैंने रस्सी से बांधा है कहने को तो तुम लोग बहुत तेज दौड़ सकते हो लेकिन दौड़ नहीं पा रहे हो क्यों तुम को रस्सी से बांधा हुआ है ना जहां मैं रस्सी खोलूंगी तुम लोग जो है अपने अपने फुल स्पीड से भागोगे तो कहने को तो तुम और तुम्हारे बीसो दोस्त स्पीड में भाग सकते हो लेकिन तुमको रस्सी से बांधा हुआ इसलिए तुम लोग तुम लोग दौड़ नहीं सकते हो तो यहाँ पर भी तो ऐसी हो रहा है कि कहने को तो आयनिक कंपाउंड में आयनस हैं लेकिन वो आयन्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवा पा रहे हैं क्यों क्योंकि आयन्स अभी मूव नहीं कर सकते मतलब जब एक आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में होता है उस स्टेट में उस सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड के जो आयन्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव क्यों क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड के जो आयन्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं आई रिपीट इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड में आयन्स जो होते हैं उन आयन्स के बीच में स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि आयंस एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पाते हैं दूर जा ही नहीं पा रहे मूव कर ही नहीं पा रहे तो बेटा जब आयंस मूव ही नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करवाएंगे समझे सो ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाते सीधी सी बात है कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड में जो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं दे आर हेल्ड टूगेदर बाय स्ट्रोंग वेरी स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेज जिसके कारण आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव जब बेटा आयन्स मूव ही नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करवाएंगे वहीं जब हम आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व कर देते हैं पानी में नमक को पानी में घोला था ना कैसे घोला था वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को सेपरेट कर देते हैं अरे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स को सेपरेट कर देते हैं तो बेटा वहाँ पर क्या होता है आयन्स सेपरेट हो जाते हैं और जब आयंस सेपरेट हुए जब आयंस सेपरेट हुए तो वो uh, फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए और जहाँ ये फ्री हुए मूव करने के लिए ये मूव करेंगे और ये मूव करेंगे मतलब क्या कि ये जो इनका सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल होगा तो जब हम एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आयनिक कंपाउंड के जो ऑपोजिटली चार्ज्ड अपोजिटली होते हैं उनको घेर लेते हैं घेर करके को सेपरेट सेपरेट कर देते हैं और जहां हुए फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए और वो मूव करते हैं और उनके मूव करने से क्या होता है जो आयनिक कंपाउंड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है सो व्हेन डिजोल्ड इन वाटर आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं टूट जाते हैं अपने आयन्स में इन द सल्यूशन सिमिलरली जब आप एक आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर देते हो तो भी क्या होता है आयन्स फ्री हो जाते हैं और जहां आयन्स फ्री हुए वो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा वही वाली बात है ना कि अगर तुम और तुम्हारे दोस्त स्पीड में दौड़ सकते हो लेकिन नहीं दौड़ पा रहे हो क्यों तुमको तो मैंने टाइटली रस्सी से बांधा है जहां मैं अपनी रस्सी को थोड़ा भी ढीला करूँगी तो तुम लोग भाग जाओगे आयनिक कंपाउंड जब एक अपने सॉलिड स्टेट में होता है उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवाता क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड के जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होते हैं जिसके कारण आयन एक दूसरे से दूर दूर भाग ही नहीं पाते हैं जब आयन्स एक दूसरे से दूर दूर भाग ही नहीं पाएंगे दौड़ ही नहीं पाएंगे तो क्या खाक कराएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वहीं अगर आपने एक आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल दिया तो क्या होता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड के ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को घेर लेते हैं उन्हें सेपरेट कर देते हैं मतलब आयनिक कंपाउंड पानी में जाकर के टूट जाता है अपने आयंस में मतलब आयंस हो जाते हैं फ्री और जहां वो हुए फ्री आयंस जो है मूव करेंगे और जैसे ही आयंस मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा अगर आपने आयनिक कंपाउंड को मेल्ट भी करवा दिया बेटा तो भी आयन uh, फ्री हो जाएंगे और जो मोल्टन आयनिक कंपाउंड है वो भी क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा देगा एज आयन्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देयर फॉर आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट ध्यान रखना कि हाँ आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं लेकिन अपने एक्वस सल्यूशन और अपने मोल्टन स्टेट में हर स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवाएंगे सिर्फ एक्वस सल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में वो क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएंगे सॉलिड में नहीं करवाएंगे ये मत लिख क्या ना कि और जब आयनिक कंपाउंड्स जो हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि उनके पास अरे बेटा नहीं होते मूव तो करने के लिए इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवा पाते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में और आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा देते हैं आई बात समझ में लेबोरेटरी टेस्ट क्या है भैया वाटर ले लो बीकर में डिजोल्व कर दो उसमें कोई भी सॉल्ट सपोज एनएससीएल तुमने डिजोल्व कर मारा फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है सेटअप कर लो कुछ इस तरीके से जैसे आप स्विच ऑन करोगे करंट जो है बल्ब में फ्लो करेगा और जहां करंट गया बल्ब में करंट जो है, करेगा. तो, bulb bulb ग्लो, करेगा, है करेगा, ग्लो करेगा तो नहीं जहां करंट गया बल्ब में बल्ब ग्लो करेगा है ना करंट ग्लो नहीं करेगा बल्ब ग्लो करेगा तो बल्ब का ग्लो क्या बता रहा है कि बल्ब तक करंट पहुंचा बल्ब तक करंट क्यों पहुंचा क्योंकि सर्किट कंप्लीट था सर्किट कंप्लीट क्यों था क्योंकि ये जो आपने सॉल्ट सल्यूशन लिया है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों हो पाया क्योंकि सोल्ट सल्यूशन में आयन्स थे जो फ्री टू मूव थे जहां आयंस मूव हुए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो गया आयनिक रिएक्शन एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लो एज आयनिक कंपाउंड जो है प्रोड्यूस फ्री आयन्स इन द सल्यूशन देयर फोर रिएक्शन जो होती है दो आयनिक कंपाउंड के बीच में इन रिएक्शन बिटवीन देयर आयन्स, ओके एज ऑपोजिटली चार्ज आयन्स कंबाइन वेरी क्विकलीअर फोर दी रिएक्शन आर क्वाइट फास्ट मतलब की आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं फ्री आयन्स प्रोड्यूस करते हैं अपने सोल्यूशन में देअर फोर रिएक्शन बिटवीन टू आयनिक कंपाउंड इज द रिएक्शन बिटवीन देयर आयन्स अगर हम बोल रहे हैं कि दो आयन एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रहा है जिसका मतलब क्या हो कि उनके आयन्स के बीच में रिएक्शन हो रही है ऑपोजिटली चार्ज आयन्स क्योंकि बहुत ही क्विकली जो है ना कंबाइन करते हैं इसलिए रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होती हैं सिल्वर नाइट्रेट ले लो मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लो मतलब वही सिल्वर नाइट्रेट को तुम पानी में घोल दो एक टेस्ट ट्यूब में दूसरी टेस्ट ट्यूब में तुम सोडियम क्लोराइड को जो है पानी में घोल दो उनके आयन जो हैं क्या होंगे बन जाएंगे ना सोडियम आयन क्लोराइड आयन सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन ऐसे बन जाएंगे और फिर तुम दोनों ही सोल्यूशंस को मिक्स कर दो तो क्या होगा सिल्वर जाकर के जो सिल्वर आयन है वो जुड़ जाएगा क्लोराइड आयन से सोडियम आयन जाके जुड़ जाएगा नाइट्रेट आयन से क्या बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इसका पीपीटी बन जाएगा बेसिकली सिल्वर क्लोराइड का ठीक है तो दोनों तुम्हारे पास सॉल्ट हैं सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड दोनों को तुमने क्या करा है पानी में घोल दिया है तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट गए और फिर दोनों के ही एक्वस सोल्यूशन को तुमने मिक्स कर दिया तो क्या होगा ऑपोजिटली चार्ज जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे तो नए दो कौन से कंपाउंड बनेंगे सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट ओके बस आज के सेशन के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और अगले सेशन में इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे होपफुली आज का ये जो सेशन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा आज जो मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी हैं वो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कई बार बोर्ड एग्जाम में सवाल आए हैं इसीलिए मैंने इतने आराम से डेप्थ में जा कर के आपको सारी प्रॉपर्टीज़ समझाई हैं आयनिक कंपाउंड्स की तो होपफुली आप लोगों को आ, सब कुछ समझ में आ गया होगा ठीक है अच्छा उसके अलावा हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में तब तक तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हें विजिट करनी है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम जब तुम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैग्नेट रेंज तुम्हें कितने सारे यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल करा रहा है लिस्ट बनी हुई है के टू 12 सी बी एस ई इंग्लिश हिंदी मीडियम एन टी एस सी ओलम्पियाड सी यू टी स्पोकन इंग्लिश सी बी एस ई हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड बैंकिंग सब कुछ तो जो तुम पढ़ना चाहते हो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो उसके अलावा अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लेक्चर अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको आप लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम YouTube के अलावा भी कनेक्ट हो सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter एंड Telegram के थ्रू उसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब मैग्नेट ब्रेन्स अपनी बुक्स भी लॉन्च कर रहा है स्टूडेंट्स की ही डिमांड पर आप लोग को चाहिए होते हैं एन सी आपको चाहिए होते हैं एक्जाम्पलर सोल्यूशन आपको चाहिए होते हैं सैम्पल पेपर सोल्यूशन आपको चाहिए होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन है ना तो ये सारे सोल्यूशन आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे तो आप बुक्स परचेज़ कर सकते हो और और जो डिटेल है आपको बुक्स की वो आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक्स दी होंगी उन लिंक्स पर जब आप जाओगे उनको खोलोगे तो आपको बुक्स कैसे परचेज करनी है कहाँ से क्या करना है वो आपको जानकारी मिल जाएगी हाँ एक चीज़ यहाँ पर मैं और बोलना चाहती हूँ कि बुक्स आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी मिल सकती है और ई बुक्स भी आपको मिल सकती है तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में आप उस तरह से पढ़ सकते हो तो बस मिलते हैं अपने अगले सेशन में टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग